नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं उसका नाम है पलटन, और ये मूवी आपको किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर और किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पलटन एक 2018 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन वन फिल्म है जिसे JP दत्ता द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है, जो 1962 के चीन भारतीय युद्ध के बाद विकसित सिक्किम सीमा पर 1967 नाथुला और चोला संघर्ष पर आधारित है। इसमें जैकी श्रॉफ, अर्जुन रामपाल, सोनू सूद, हर्षवर्धन राणे, सोनल चौहान, दीपिका कक्कर और कई अन्य कलाकारों की टुकड़ी है। फिल्म 7 दिसंबर 2018 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। डायरेक्टर JP दत्ता की हालिया फिल्म पलटन इस वीकेंड रिलीज हो रही है। सीमा और LOC के बाद दत्ता की युद्ध फिल्मों के अंतिम यात्री त्रयी के रूप में कहा जाने वाला पलटन भारत चीन और चीन के बीच 1967 के कम ज्ञान लड़ाई का वर्णन करता है। फिल्म में अर्जुन रामपाल, जैकी श्रॉफ, सोनू सूद, हर्षवर्धन राणे, ईर्षा गुप्ता, सोनल चौहान, मनिका गिल और दीपिका कक्कर जैसे सितारे हैं। LOC और बॉर्डर के विपरीत, जिसमें पाकिस्तान के साथ भारत की लड़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। पलटन के साथ JP दत्ता ने अपना ध्यान पूर्व की और लगाया। बॉर्डर 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान लंबे वाला की लड़ाई एक काल्पनिक विवरण था, जबकि LOC ऑपरेशन विजय और 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान टोलोलिंग की लड़ाई से प्रेरित था। JP दत्ता की अधिकांश फिल्म की तरह आप उच्च सेविपल की उम्मीद कर सकते हैं। पलटन में भी देशभक्ति, लेकिन वह वॉल्यूम को हटा दे और आपके पास वास्तव में असंभव संभव बाधाओं के सामने वीरता की कहानी है। जो 1967 के पतन में सिक्किम में वास्तव में क्या हुआ था। JP दत्ता की पलटन के प्रेरित करने वाला नाथुला और ची चोला संघर्ष, तो 1967 के पतन में सिक्किम में वास्तव में क्या हुआ था। JP दत्ता की पलटन को प्रेरित करने वाले नाथुला और चीला संघर्ष क्या था, जिसके जैसे कि ये निकला, ये सब एक थी बिल्डर से शुरू हुआ। 1962 के युद्ध के बाद से भारत और चीन के बीच बढ़ गया, जबकि 1965 में भारत की पश्चिमी सीमा पर एक नया युद्ध आ गया था। बैंकिंग अब बेजिंग तिब्बत सिक्किम सीमा पर रणनीतिक रूप में महत्वपूर्ण नाथुला को खाली करने के लिए नई दिल्ली को मजबूर किया कर रहा था। ये तथ्य कि सिक्किम भारत के संरक्षण के में था, चीनियों को परेशान करता था।
उन्होंने अंग्रेजों द्वारा चीनी भाई मकमोहन रेखा को कभी स्वीकार नहीं किया और इसलिए सिक्किम को दक्षिणी तिब्बत और इस तरह चीन के विस्तार के रूप में देखा। हालांकि 17 माउंटेन डिजाइन के जीओसी जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल सागर सिंह और अक्सर भारतीय सेना से सबसे अच्छे फील्ड लीडर्स में से एक माने जाते हैं ने नाथुल लाज को छोड़ने से इनकार कर दिया। इसने ये भी मदद की कि उन्हें तत्कालीन पूर्व सेना कमांडर समेत सेम मनेक्सा और कोर कमांडर जगजीत सिंह करोड़ा का समर्थन प्राप्त था। सितंबर 1967 के राजनीतिक खतरों और सीमा पर अकसावे के कारण भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच अपना सामना हुआ। 11 सितंबर को सुबह 5:30 के बजे से तो चीनी लोपखाने मीटर्स और रिकॉल से गोलियों की अचानक गोलाबारी ने 70 फील्ड रेजिमेंट के सैनिक और 18 राजपूतों को मारा जब वे नाथुला से सेबी इला तक की सीमा का सीमांकन करते हुए एक बायट वार लगाने के अपने कार्यों को अंजाम दे रहे थे। एक किलोमीटर दूर ऊंची जमीन पर स्थित एक अवलोकन पोस्ट और चीनी पक्ष का एक दृश्य प्रस्तुत किया। दो ग्रेनेडियर्स के सीओ लेफ्टिनेंट कर्नल रॉय सिंह और उनके पलटन ने जबकि कार्रवाई की। लेफ्टिनेंट कर्नल राय के अन्य सैनिकों को पीछे हटने के लिए कवर फायर प्रदान करने के लिए स्वयं लाइव मशीन गन का संचालन किया। इस प्रक्रिया में एक गोली उसके पेट में लगी और दूसरी गोली रिकोपेट करके उसे खाली करते समय सी के पीछे लगी। अपने सीओ के अस्वस्थ होने पर दो अधिकारियों दो ग्रेनेडियर्स के कैप्टन डायर और 18 राजपूत के मेजर हरभजन सिंह ने जवाबी कार्रवाई की कमान संभाली जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल रॉय बच गए। अन्य दो अधिकारी उस दिन शहीद हो गए। तथ्य ये है कि चीनी ने कब्जा कर लिया था और उच्च जमीन से जटिल मामले से गोलीबारी कर रहे हैं क्योंकि भारतीय सैनिक खुले पृथ्वी परिदृश्य में उजागर हो रहे थे। रक्षा रिकॉर्ड के अनुसार शुरुआती चीनी हमले के लगभग 70 भारतीय कर्मियों की जान चली गई थी। भारतीय प्रतिक्रिया ने चीनियों को सचेत कर दिया। लोप्रभाव ने दुश्मनों की चौकियों पर सटीकता से प्रहार किया जिसमें गंभीर व्यक्ति और भौतिक शक्ति हुई। अगले दिनों में चीनी टोल 300 के अधिक हो गए। दुश्मन ने विराम का आज्ञात किया और श्रद्धा में भारत सहमत हो गया लेकिन चीनियों के पास अन्य डिजाइन थे। अभी भी अपने गोवा को चाटते हुए धावों को चाटते हुए चीनी ने एक फखरावे के भीतर एक और दुस्साहस का सहारा लिया। नाथुला के उत्तर के कुछ मील किलोमीटर की दूरी पर स्थिर चोला में स्वाइट 15450 सेकंड दौरे के ठीक बीच में 30 मीटर ऊंचा एक डिवाइन खिलाखंड था। 7.11 गोरखा रेजिमेंट ने को कंपनियों के 4 पल्टन एक सेकंड पल्टन ए एस सेमुअल के नेतृत्व में और दूसरा लेफ्टिनेंट आर एस राठौर के नेतृत्व में ने 0.1540 को अपने आसपास पौधों पर कब्जा कर लिया। अब 1 अक्टूबर को सुबह लगभग 9:15 बजे चीनों सैनिकों के वल्डर से सामित्व को लेकर फायर प्लाटून कमांडर नायब सूबेदार ज्ञान जब बहादुर लिंबो के साथ एक विवाद में प्रकाश किया। विभिन्न सैन्य खातों में कहा गया है कि नायब सूबेदार लिंबू अपने एक पैर को बोल्डर के खिलाफ टका टका टिका कर रखा था।
यहाँ तक कि वो घटनाएं तेजी से सामने आ रही थी। 7/11 जी आर पटा बटालियन के एसीओ मेजर केबी जोशी जो पॉइंट 15450 के पूर्व में राय गांव में थे, जिसके लिए वो रास्ते में थे, उन्होंने देखा कि चीनी सैनिकों ने सित्रों की चौकी को घेर लिया था, जहां गायब सूबेदार लिंबू चौक रहे थे। प्रतिद्वंदी कंपनी कमांडर और राजनीतिक कमांडर के खिलाफ मेजर जोशी तुरंत लेफ्टिनेंट राठौर के पास पहुंचे और उन्हें बताया कि उन्होंने क्या देखा, लेकिन फिर भी चीनियों ने तब तक मामले को सशस्त्र टकराव तक बढ़ा दिया था। एक चीनी सैनिक ने नायब सूबेदार लिंबू के बाह पर संगीत लगाया। प्रतिक्रिया तेज थी, सुकुरी कभी असफल नहीं हुई। दोनों पक्ष करीब से फायरिंग में लगी हुई थे। लांस कमांडर नायक कृष्णा बहादुर ने बहावरी का नेतृत्व दिया। उसके पीछे नायब सूबेदार लिंबू थे, जिन्होंने निकट युद्ध में दुश्मन में मुकाबला किया। एक बार जब उनका बारूद खत्म हो गया तो दोनों ने दुश्मन पर अपनी टुकड़ी से हमला किया, लेकिन मशीन गन की आग में गिर गए। लेफ्टिनेंट राठौर के बाहर हाथ पर चोट लगने पर दुश्मन ने अपनी मारक क्षमता को तमचे मीटर प्रति पोजीशन और रॉय गोप पर केंद्रित किया था, जहां टेन जैसे राइफल द्वारा अभी भी राइफल वेल्स का संचालन किया जा रहा था। भले ही जेबे को राइफल्स का बड़ी खनी हुई था, लेकिन उन्होंने अपनी पोस्ट को दुश्मन के हाथों में नहीं पड़ने दिया। उन्हें पास के फाइंड 1.518A1 के मीडियन मशीन गन फायर द्वारा समर्थित किया गया था। उसके अलावा चोला आय उसके दक्षिण पश्चिम में टबिन हिटर्स में पोस्ट भी हमले के अधीन थे। फिल्म में अर्जुन रामपाल, जैकी श्रॉफ, सोनू सूद, हर्षवर्धन राणे, ईर्षा गुप्ता, सोनल चौहान, मनिका गिल और दीपिका कक्कड़ जैसे सितारे हैं। LOC और बॉर्डर के वितरित, जिसमें पाकिस्तान के साथ भारत की लड़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। पलटन के साथ JP दत्ता ने अपना ध्यान पूर्व की और लगाया। बॉर्डर 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान लंबे वाला की लड़ाई के एक काल्पनिक विवरण था, जबकि LOC ऑपरेशन विजय और 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान टोलोलिंग की लड़ाई से प्रेरित था। JP दत्ता की अधिकांश फिल्म की तरह आप उच्च सेविपल की उम्मीद कर सकते हैं। पलटन में भी देशभक्ति, लेकिन वॉल्यूम को हटा दे और आपके पास वास्तव में असंभव बाधाओं के सामने वीरता की कहानी है, जो 1967 के पतन में सिक्किम में वास्तव में क्या हुआ था। JP दत्ता की पलटन के प्रेरित करने वाला नाथुला और चोला संघर्ष, तो 1967 के पतन में सिक्किम में वास्तव में क्या हुआ था, JP दत्ता की पलटन को प्रेरित करने वाले नाथुला और चीला संघर्ष क्या था, इसके जैसे कि ये निकला, ये सब एक थी बिल्डर से शुरू हुआ। 1962 के युद्ध के बाद से भारत और चीन के बीच बढ़ गया, जबकि 1965 में भारत की पश्चिमी सीमा पर एक नया युद्ध आ गया था। बैंकिंग अब बेजिंग तिब्बत सिक्किम सीमा पर रणनीतिक रूप में महत्वपूर्ण नाथुला को खाली करने के लिए नई दिल्ली को मजबूर किया कर रहा था। ये तथ्य कि सिक्किम भारत के संरक्षण के में था, चीनियों को परेशान करता था। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा चीनी भाई मोहन रेखा को कभी स्वीकार नहीं किया और इसलिए सिक्किम को दक्षिणी तिब्बत और इस तरह चीन के विस्तार के रूप में देखा। हालांकि 17 माउंटेन डिजाइन के GOC जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल सागर सिंह और अक्सर भारतीय सेना से सबसे अच्छे फील्ड लीडर्स में से एक माने जाते हैं, ने नाथुला को छोड़ने से इनकार कर दिया। इसने ये भी मदद की कि उन्हें तत्कालीन पूर्व सेना कमांडर्स में सेम मानेकशॉ और कोर कमांडर जगजीत सिंह करोड़ा का समर्थन प्राप्त था। दिसंबर 1967 के राजनीतिक खतरों और सीमा पर अभिषेक
अकसावे के कारण भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच अपना सामना हुआ। 11 सितंबर को सुबह 5:30 के बजे सीधों चीनी लोपखाने मीटर्स और रिकॉल से गोलियों की अचानक गोलाबारी ने 70 फील्ड रेजिमेंट के सैनिक और 18 राजपूतों को मारा, जब वे नाथुला से सेबी इला तक की सीमा का सीमांकन करते हुए एक बायट और वार लगाने के अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। एक किलोमीटर दूर ऊंची जमीन पर स्थित एक अवलोकन पोस्ट और चीनी पक्ष का एक दृश्य प्रस्तुत किया। दो ग्रेनेडियर्स की सीओ लेफ्टिनेंट कर्नल रॉय सिंह और उनकी पलटन ने, जबकि कार्रवाई की लेफ्टिनेंट कर्नल राय के अन्य सैनिकों को पीछे हटने के लिए कवर फायर प्रदान करने के लिए स्वयं लाइव मशीन गन का संचालन किया। इस प्रक्रिया में एक गोली उसके पेट में लगी और दूसरी गोली रिकोपेट करके उसे खाली करते समय सी के पीछे लगी। अपने सीओ के अस्वस्थ होने पर दो अधिकारियों, दो ग्रेनेडियर्स के कैप्टन डायर और 18 राजपूत के मेजर हरभजन सिंह ने जवाबी कार्रवाई की कमान संभाली, जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल रॉय बच गए। अन्य दो अधिकारी उस दिन शहीद हो गए। तथ्य ये है कि चीनी ने कब्जा कर लिया था और उच्च जमीन से जटिल मामले से गोलीबारी कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय सैनिक खुले पृथ्वी परिदृश्य में उजागर हो रहे थे। रक्षा रिकॉर्ड के अनुसार शुरुआती चीनी हमले के लगभग 70 भारतीय कर्मियों की जान चली गई थी। भारतीय प्रतिज्ञा ने चीनियों को सचेत कर दिया। लोपरवाहों ने दुश्मनों की चौकियों पर सटीकता से प्रहार किया, जिसमें गंभीर व्यक्ति और भौतिक शक्ति हुई। अगले दिनों में चीनी टोल 300 के अधिक हो गए। दुश्मन ने विराम का आज्ञा किया और श्रद्धा में भारत सहमत हो गया, लेकिन चीनियों के पास अन्य डिजाइन थे। अभी भी अपने गोवा को चाटते हुए धावों को चाटते हुए चीनी ने एक फकरावे के भीतर एक और दुस्साहस का सहारा लिया। नाथुला के उत्तर के कुछ मिल किलोमीटर की दूरी पर स्थित चोला में स्वाइट 15450 सेकंड दौरे के ठीक बीच में 30 मीटर ऊंचा एक डिवाइन खिलाखंड था। 7.11 गोरखा रेजिमेंट ने को कंपनियों के 4 पल्टन, 1 सेकंड पल्टन ए एस सेमुअल के नेतृत्व में और दूसरा लेफ्टिनेंट आर एस राठौर के नेतृत्व में ने 0.1540 को अपने आसपास पौधों पर कब्जा कर लिया। अब 1 अक्टूबर को सुबह लगभग 9:15 बजे चीनों सैनिकों के बल्डर से स्वामित्व को लेकर फायरल्ड प्लाटून कमांडर नायब सूबेदार ज्ञान जब बहादुर लिम्बो के साथ एक विवाद में प्रकाश किया। विभिन्न सैन्य खातों में कहा गया है कि नायब सूबेदार लिम्बू अपने एक पैर को बोल्डर के खिलाफ टिका कर रखा था। यहाँ तक कि वो घटनाएं तेजी से सामने आ रही थी। 7/11 GR बटालियन के सीओ मेजर KB जोशी जो 0.15450 के पूर्व में राय गांव में थे, जिसके लिए वो रास्ते में थे, उन्होंने देखा कि चीनी सैनिकों ने सितरों की चौकी को घेर लिया था, जहां गायब सूबेदार लिंबू चौक रहे थे। प्रतिद्वंदी कंपनी कमांडर और राजनीतिक कमांडर के खिलाफ मेजर जोशी तुरंत लेफ्टिनेंट राठौर के पास पहुंचे और उन्हें बताया कि उन्होंने क्या देखा, लेकिन फिर भी चीनियों ने तब तक मामले को सशस्त्र टकराव तक बढ़ा दिया था। एक चीनी सैनिक ने नायब सूबेदार लिंबू के बाह पर संगीत लगाया। प्रतिक्रिया तेज थी, सुकुरी कभी असफल नहीं हुई। दोनों पक्ष करीब से फायरिंग में लगे हुए थे। लांस कमांडर नायक कृष्णा बहादुर ने बहावरी का नेतृत्व दिया। उसके पीछे नायब
सूबेदार लिंबू थे जिन्होंने निकट युद्ध में दुश्मन में मुकाबला किया। एक बार जब उनका बारूद खत्म हो गया तो दोनों ने दुश्मन पर अपनी टुकड़ी से हमला किया, लेकिन मशीन गन की आग में गिर गए। लेफ्टिनेंट राठौर के बाहर हाथ पर चोट लगने पर दुश्मन ने अपनी मारक क्षमता को तमचे मीटर प्रति पोजीशन और रॉय गोप पर केंद्रित किया था, जहां टेन जैसे राइफल द्वारा अभी भी राइफल वेल्स का संचालन किया जा रहा था। भले ही जेबे को राइफल्स का बड़ी खनी हुई है, लेकिन उन्होंने अपनी पोस्ट को दुश्मन के हाथों में नहीं पड़ने दिया। उन्हें पास के फाइंड 1.518A1 के मीडियन मशीन गन फायर द्वारा समर्थित किया गया था। उसके अलावा चोला आय उसके दक्षिण पश्चिम में टबिन हिटर्स में पोस्ट भी हमले के अधीन थे। फिल्म में अर्जुन रामपाल, जैकी श्रॉफ, सोनू सूद, हर्षवर्धन राणे, ईर्षा गुप्ता, सोनल चौहान, मनिका गिल और दीपिका कक्कर जैसे सितारे हैं। LOC और बॉर्डर के वितरित जिसमें पाकिस्तान के साथ भारत की लड़ाई पर ध्यान केंद्रित किए। पलटन के साथ JP दत्ता ने अपना ध्यान पूर्व की और लगाया। बॉर्डर 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान लंबे वाला की लड़ाई एक काल्पनिक विवरण था, जबकि LOC ऑपरेशन विजय और 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान टोलोलिंग की लड़ाई से प्रेरित था। JP दत्ता की अधिकांश फिल्म की तरह आप उच्च सेविपल की उम्मीद कर सकते हैं। पलटन में भी देशभक्ति, लेकिन वह वॉल्यूम को हटा दे और आपके पास वास्तव में असंभव बाधाओं के सामने वीरता की कहानी है। जो 1967 के पतन में सिक्किम में वास्तव में क्या हुआ था। JP दत्ता की पलटन के प्रेरित करने वाला नाथुला और चोला संघर्ष। तो 1967 के पतन में सिक्किम में वास्तव में क्या हुआ था। JP दत्ता की पलटन को प्रेरित करने वाले नाथुला और चीला संघर्ष क्या था, जिसके जैसे कि ये निकला, ये सब एक थी बिल्डर से शुरू हुआ। 1962 के युद्ध के बाद से भारत और चीन के बीच बढ़ गया, जबकि 1965 में भारत की पश्चिमी सीमा पर एक नया युद्ध आ गया था। बैंकिंग अब बेजिंग तिब्बत सिक्किम सीमा पर रणनीतिक रूप में महत्वपूर्ण नाथुला को खाली करने के लिए नई दिल्ली को मजबूर किया कर रहा था। ये तथ्य कि सिक्किम भारत के संरक्षण के में था चीनियों को परेशान करता था। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा चीनी भाई मकमोहन रेखा को कभी स्वीकार नहीं किया और इसलिए सिक्किम को दक्षिणी तिब्बत और इस तरह चीन के विस्तार के रूप में देखा। हालांकि 17 माउंटेन डिजाइन के GOC जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल सगर सिंह और अक्सर भारतीय सेना से सबसे अच्छे फील्ड लीडर्स में से एक माने जाते हैं, ने नाथुला को छोड़ने से इनकार कर दिया। इसने ये भी मदद की कि उन्हें तत्कालीन पूर्व सेना कमांडर्स में सेम मानेकशॉ और कोर कमांडर जगजीत सिंह करोड़ा का समर्थन प्राप्त था। सितंबर 1967 के राजनीतिक खतरों और सीमा पर अकसावे के कारण भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच अपना सामना हुआ। 11 सितंबर को सुबह 5:30 के बजे से तो चीनी लोपखाने मीटर्स और रिकॉल से गोलियों की अचानक गोलाबारी ने 70 फील्ड रेजिमेंट के सैनिक और 18 राजपूतों को मारा, जब वे नाथुला से सेबी इला तक की सीमा का सीमांकन करते हुए एक बायड वार लगाने के अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। एक किलोमीटर दूर ऊंची जमीन पर स्थित एक अवलोकन पोस्ट और चीनी पक्ष का एक दृश्य प्रस्तुत किया। दो ग्रेनेडियर्स की CO लेफ्टिनेंट कर्नल रॉय सिंह और उनकी पलटन ने, जबकि कार्रवाई की लेफ्टिनेंट कर्नल राय के अन्य सैनिकों को पीछे हटने के लिए कवर फायर प्रदान करने के लिए स्वयं लाइव मशीन गन का संचालन किया। इस प्रक्रिया में एक गोली उसके पेट में लगी और दूसरी गोली रिको
रिकोपेट करके उसे खाली करते समय सी के पीछे लगी। अपने सीओ के अस्वस्थ होने पर दो अधिकारियों दो ग्रेनेडियर्स के कैप्टन डायर और 18 राजपूत के मेजर हरभजन सिंह ने जवाबी कार्रवाई की कमान संभाली, जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल रॉय बच गए। अन्य दो अधिकारी उस दिन शहीद हो गए। तथ्य ये है कि चीनी ने कब्जा कर लिया था और उच्च जमीन से जटिल मामले से गोलीबारी कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय सैनिक खुले पृथ्वी परिदृश्य में उजागर हो रहे थे। रक्षा रिकॉर्ड के अनुसार शुरुआती चीनी हमले के लगभग 70 भारतीय कर्मियों की जान चली गई थी। भारतीय प्रतिक्रिया ने चीनियों को सचेत कर दिया। लोपरवाह ने दुश्मनों की चौकियों पर सटीकता से प्रहार किया, जिसमें गंभीर व्यक्ति और भौतिक शक्ति हुई। अगले दिनों में चीनी टोल 300 के अधिक हो गए। दुश्मन ने विराम का आज्ञा किया और श्रद्धा में भारत सहमत हो गया, लेकिन चीनियों के पास अन्य डिजाइन थे। अभी भी अपने गोवा को चाटते हुए धावों को चाटते हुए चीनी ने एक फखरावे के भीतर एक और दुस्साहस का सहारा लिया। नाथुला के उत्तर के कुछ मील किलोमीटर की दूरी पर स्थित चोला में स्वाइट 15450 सेकंड दौरे के ठीक बीच में 30 मीटर ऊंचा एक डिवाइन खिलाखंड था। 7.11 गोरखा रेजिमेंट ने को कंपनी के 4 पल्टन एक सेकंड पल्टन ए एस सेमुअल के नेतृत्व में और दूसरा लेफ्टिनेंट आर एस राठौर के नेतृत्व में ने 0.1540 को अपने आसपास पौधों पर कब्जा कर लिया। और 1 अक्टूबर को सुबह लगभग 9:15 चीनों सैनिकों के वल्डर से स्वामित्व को लेकर फायरल्ड प्लाटून कमांडर नायब सूबेदार ज्ञान जब बहादुर लिम्बो के साथ एक विवाद में प्रकाश किया। विभिन्न सैन्य खातों में कहा गया है कि नायब सूबेदार लिम्बू अपने एक पैर को बोल्डर के खिलाफ टिका कर रखा था। यहाँ तक कि वो घटनाएं तेजी से सामने आ रही थी। 7/11 GR बटालियन के सीओ मेजर KB जोशी जो 0.15450 के पूर्व में राय गांव में थे, जिसके लिए वो रास्ते में थे, उन्होंने देखा कि चीनी सैनिकों ने सितरों की चौकी को घेर लिया था, जहां गायब सूबेदार लिम्बू चौक रहे थे। प्रतिद्वंदी कंपनी कमांडर और राजनीतिक कमांडर के खिलाफ मेजर जोशी तुरंत लेफ्टिनेंट राठौर के पास पहुंचे और उन्हें बताया कि उन्होंने क्या देखा, लेकिन फिर भी चीनियों ने तब तक मामले को सशस्त्र टकराव तक बढ़ा दिया था। एक चीनी सैनिक ने नायब सूबेदार लिम्बू के बाह पर संगीत लगाया। प्रतिक्रिया तेज थी, सुकुरी कभी असफल नहीं हुई। दोनों पक्ष करीब से फायरिंग में लगी हुई थे। लांस कमांडर नायक कृष्णा बहादुर ने प्रहारी का नेतृत्व दिया। उसके पीछे नायक सूबेदार लिम्बू थे, जिन्होंने निकट युद्ध में दुश्मन में मुकाबला किया। एक बार जब उनका बारूद खत्म हो गया तो दोनों ने दुश्मन पर अपनी टुकड़ी से हमला किया, लेकिन मशीन गन की आग में गिर गए। लेफ्टिनेंट राठौर के बाह हाथ पर चोट लगने पर दुश्मन ने अपनी मारक क्षमता को तमचे मीटर प्रति पोजीशन और रॉय गोप पर केंद्रित किया था, जहां 10 जैसे राइफल द्वारा अभी भी राइफल वेयर्स का संचालन किया जा रहा था। भले ही जेबे को राइफल्स को बड़ी खनी हुई है, लेकिन उन्होंने अपनी पोस्ट को दुश्मन के हाथों में नहीं पड़ने दिया। उन्हें पास के फाइंड 1.518A1 के मीडियन मशीन गन फायर द्वारा समर्थित किया गया था। उसके अलावा चोला आय उसके दक्षिण पश्चिमी टबिन हिटर्स में पोस्ट भी हमले के अधीन थे। फिल्म में अर्जुन रामपाल, जैकी श्रॉफ, सोनू सूद, हर्षवर्धन राणे, ईर्षा गुप्ता, सोनल चौहान, मनिका गिल और दीपिका कक्कड़ जैसे सितारे हैं।
एलओसी और बॉर्डर के विपरीत, जिसमें पाकिस्तान के साथ भारत की लड़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। पलटन के साथ जेपी दत्ता ने अपना ध्यान पूर्व की और लगाया। बॉर्डर 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान लंबे वाला की लड़ाई एक काल्पनिक विवरण था, जबकि एलओसी ऑपरेशन विजय और 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान टोलोलिंग की लड़ाई से प्रेरित था। जेपी दत्ता की अधिकांश फिल्म की तरह आप उच्च सेविपल की उम्मीद कर सकते हैं। पलटन में भी देशभक्ति, लेकिन वह वॉल्यूम को हटा दे और आपके पास वास्तव में असंभव बाधाओं के सामने वीरता की कहानी है। जो 1967 के पतन में सिक्किम में वास्तव में क्या हुआ था, जेपी दत्ता की पलटन के प्रेरित करने वाला नाथुला और ची चोला संघर्ष। तो 1967 के पतन में सिक्किम में वास्तव में क्या हुआ था, जेपी दत्ता की पलटन को प्रेरित करने वाले नाथुला और चीला संघर्ष क्या था, जिसके जैसे कि ये निकला, ये सब एक थी बिल्डर से शुरू हुआ। 1962 के युद्ध के बाद से भारत और चीन के बीच बढ़ गया, जबकि 1965 में भारत की पश्चिमी सीमा पर एक नया युद्ध आ गया था। बैंकिंग अब बेजिंग तिब्बत सिक्किम सीमा पर रणनीतिक रूप में महत्वपूर्ण नाथुला को खाली करने के लिए नई दिल्ली को मजबूर किया कर रहा था। ये तथ्य कि सिक्किम भारत के संरक्षण के में था, चीनियों को परेशान करता था। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा चीनी भाई मकमोहन रेखा को कभी स्वीकार नहीं किया और इसलिए सिक्किम को दक्षिणी तिब्बत और इस तरह चीन के विस्तार के रूप में देखा। हालांकि 17 माउंटेन डिजाइन के जीओसी जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल सागर सिंह और अक्सर भारतीय सेना से सबसे अच्छे फील्ड लीडर्स में से एक माने जाते हैं, ने नाथुला को छोड़ने से इनकार कर दिया। इसने ये भी मदद की कि उन्हें तत्कालीन पूर्व सेना कमांडर्स में सेम मानेकशॉ और कोर कमांडर जगजीत सिंह करोड़ा का समर्थन प्राप्त था। सितंबर 1967 के राजनीतिक खतरों और सीमा पर अकसावे के कारण भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच अपना सामना हुआ। 11 सितंबर को सुबह 5:30 के बजे सीतों चीनी लोपखाने मीटर्स और रिकॉल से गोलियों की अचानक गोलाबारी ने 70 फील्ड रेजिमेंट के सैनिक और 18 राजपूतों को मारा, जब वे नाथुला से सेबी इला तक की सीमा का सीमांकन करते हुए एक बायर लगाने के अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। एक किलोमीटर दूर ऊंची जमीन पर स्थित एक अवलोकन पोस्ट और चीनी पक्ष का एक दृश्य प्रस्तुत किया। दो ग्रेनेडियर्स की सीओ लेफ्टिनेंट कर्नल रॉय सिंह और उनकी पलटन ने, जबकि कार्रवाई की लेफ्टिनेंट कर्नल राय के अन्य सैनिकों को पीछे हटने के लिए कवर फायर प्रदान करने के लिए स्वयं लाइव मशीन गन का संचालन किया। इस प्रक्रिया में एक गोली उसके पेट में लगी और दूसरी गोली रिकोपेट करके उसे खाली करते समय सी के पीछे लगी। अपने सीओ के अस्वस्थ होने पर दो अधिकारियों, दो ग्रेनेडियर्स के कैप्टन डायर और 18 राजपूत के मेजर हरभजन सिंह ने जवाबी कार्रवाई की कमान संभाली, जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल रॉय बच गए। अन्य दो अधिकारी उस दिन शहीद हो गए। तथ्य ये है कि चीनी ने कब्जा कर लिया था और उच्च जमीन से जटिल मामले से गोलीबारी कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय सैनिक खुले पृथ्वी
परिदृश्य में उजागर हो रहे थे। रक्षा रिकॉर्ड के अनुसार शुरुआती चीनी हमले के लगभग 70 भारतीय कर्मियों की जान चली गई थी। भारतीय प्रतिज्ञा ने चीनियों को सचेत कर दिया। लोपरवाह ने दुश्मनों की चौकियों पर सटीकता से प्रहार किया, जिसमें गंभीर व्यक्ति और भौतिक शक्ति हुई। अगले दिनों में चीनी टोल 300 के अधिक हो गए। दुश्मन ने विराम का आज्ञात किया और श्रद्धा में भारत सहमत हो गया, लेकिन चीनियों के पास अन्य डिजाइन थे। अभी भी अपने गोवा को चाटते हुए धाबों को चाटते हुए चीनी ने एक फकरावे के भीतर एक और दुस्वाहर का सहारा लिया। नाथुला के उत्तर के कुछ मिल किलोमीटर की दूरी पर स्थित चोला में स्वाइट 15450 सेकंड दौरे के ठीक बीच में 30 मीटर ऊंचा एक डिवाइन खिलाखंड था। 7.11 गोरखा रेजिमेंट ने को कंपनियों के 4 पल्टन, 1 सेकंड पल्टन ए एस सेमुअल के नेतृत्व में और दूसरा लेफ्टिनेंट आर एस राठौर के नेतृत्व में ने 0.1540 को अपने आसपास पौधों पर कब्जा कर लिया। और 1 अक्टूबर को सुबह लगभग 9:15 चीनों सैनिकों के वल्डर से स्वामित्व को लेकर फायरल्ड प्लाटून कमांडर नायब सुबेदार ज्ञान जब बहादुर लिम्बो के साथ एक विवाद में प्रकाश किया। विभिन्न सैन्य खातों में कहा गया है कि नायब सुबेदार लिम्बो अपने एक पैर को बोल्डर के खिलाफ टिका कर रखा था। यहाँ तक कि वो घटनाएं तेजी से सामने आ रही थी। 7/11 GR बटालियन के CO मेजर KB जोशी जो 0.15450 के पूर्व में राय गांव में थे, जिसके लिए वो रास्ते में थे, उन्होंने देखा कि चीनी सैनिकों ने सितरों की चौकी को घेर लिया था, जहां गायब सूबेदार लिम्बू चौक रहे थे। प्रतिद्वंदी कंपनी कमांडर और राजनीतिक कमांडर के खिलाफ मेजर जोशी तुरंत लेफ्टिनेंट राठौर के पास पहुंचे और उन्हें बताया कि उन्होंने क्या देखा, लेकिन फिर भी चीनियों ने तब तक मामले को सशस्त्र टकराव तक बढ़ा दिया था। एक चीनी सैनिक ने नायब सूबेदार लिम्बू के बाह पर संगी लगाया। प्रतिक्रिया तेज थी, सुकुरी कभी असफल नहीं हुई। दोनों पक्ष करीब से फायरिंग में लगी हुई थे। लांस कमांडर नायक कृष्णा बहादुर ने बहावरी का नेतृत्व दिया। उसके पीछे नायब सुबेदार लिम्बू थे, जिन्होंने निकट युद्ध में दुश्मन में मुकाबला किया। एक बार जब उनका बारूद खत्म हो गया तो दोनों ने दुश्मन पर अपनी टुकड़ी से हमला किया, लेकिन मशीन गन की आग में गिर गए। लेफ्टिनेंट राठौर के बाह हाथ पर चोट लगने पर दुश्मन ने अपनी मारक क्षमता को तमचे मीटर प्रति पोजीशन और रॉय गो पर केंद्रित किया था, जहां 10 जैसे राइफल द्वारा अभी भी राइफल वेल्स का संचालन किया जा रहा था। भले ही जेबे को राइफल्स को बड़ी खनी हुई था, लेकिन उन्होंने अपनी पोस्ट को दुश्मन के हाथों में नहीं पड़ने दिया। उन्हें पास के फाइंड 1.518A1 के मीडियन मशीन गन फायर द्वारा समर्थित किया गया था। उसके अलावा चोला आय उसके दक्षिण पश्चिम में टविन हिटर्स में पोस्ट भी हमले के अधीन थे। फिल्म में अर्जुन रामपाल, जैकी श्रॉफ, सोनू सूद, हर्षवर्धन राणे, ईर्षा गुप्ता, सोनल चौहान, मनिका गिल और दीपिका कक्कड़ जैसे सितारे हैं। LOC और बॉर्डर के वितरित, जिसमें पाकिस्तान के साथ भारत की लड़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। पल्टन के साथ JP दत्ता ने अपना ध्यान पूर्व की और लगाया। बॉर्डर 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान लंबे वाला की लड़ाई एक काल्पनिक विवरण था, जबकि LOC ऑपरेशन विजय और 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान
टोलोलिंग की लड़ाई से प्रेरित था। जेपी दत्ता की अधिकांश फिल्म की तरह आप उच्च सेविपल की उम्मीद कर सकते हैं। पलटन में भी देशभक्ति, लेकिन वह वॉल्यूम को हटा दे और आपके पास वास्तव में असंभव संभव बाधाओं के सामने वीरता की कहानी है। तो 1967 के पतन में सिक्किम में वास्तव में क्या हुआ था, जेपी दत्ता की पलटन के प्रेरित करने वाला नाथुला और चोला संघर्ष। तो 1967 के पतन में सिक्किम में वास्तव में क्या हुआ था, जेपी दत्ता की पलटन को प्रेरित करने वाले नाथुला और चीला संघर्ष क्या था, जिसके जैसे कि ये निकला, ये सब एक थी बिल्डर से शुरू हुआ। 1962 के युद्ध के बाद से भारत और चीन के बीच बढ़ गया, जबकि 1965 में भारत की पश्चिमी सीमा पर एक नया युद्ध आ गया था। बैंकिंग अब बेजिंग तिब्बत सिक्किम सीमा पर रणनीतिक रूप में महत्वपूर्ण नाथुला को खाली करने के लिए नई दिल्ली को मजबूर किया कर रहा था। ये तथ्य कि सिक्किम भारत के संरक्षण के में था चीनियों को परेशान करता था। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा चीनी भाई मकमोहन रेखा को कभी स्वीकार नहीं किया और इसलिए सिक्किम को दक्षिणी तिब्बत और इस तरह चीन के विस्तार के रूप में देखा। हालांकि 17 माउंटेन डिजाइन के जीओसी जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल सागर सिंह और अक्सर भारतीय सेना से सबसे अच्छे फील्ड लीडर्स में से एक माने जाते हैं ने नाथुला को छोड़ने से इनकार कर दिया। इसने ये भी मदद की कि उन्हें तत्कालीन पूर्व सेना कमांडर्स में सेम मानेकशॉ और कोर कमांडर जगजीत सिंह करोड़ा का समर्थन प्राप्त था। सितंबर 1967 के राजनीतिक खतरों और सीमा पर अकसावे के कारण भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच अपना सामना हुआ। 11 सितंबर को सुबह 5:30 के बजे सीतो चीनी लोपखाने मीटर्स और रिकॉल से गोलियों की अचानक गोलाबारी ने 70 फील्ड रेजिमेंट के सैनिक और 18 राजपूतों को मारा, जब वे नाथुला से सेबी इला तक की सीमा का सीमांकन करते हुए एक बायट और वार लगाने के अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। एक किलोमीटर दूर ऊंची जमीन पर स्थित एक अवलोकन पोस्ट और चीनी पक्ष का एक दृश्य प्रस्तुत किया। दो ग्रेनेडियर्स के सीओ लेफ्टिनेंट कर्नल रॉय सिंह और उनकी पलटन ने, जबकि कार्रवाई की लेफ्टिनेंट कर्नल राय के अन्य सैनिकों को पीछे हटने के लिए कवर फायर प्रदान करने के लिए स्वयं लाइव मशीन गन का संचालन किया। इस प्रक्रिया में एक गोली उसके पेट में लगी और दूसरी गोली रिकोपेट करके उसे खाली करते समय सिर के पीछे लगी। अपने सीओ के अस्वस्थ होने पर दो अधिकारियों दो ग्रेनेडियर्स के कैप्टन डायर और 18 राजपूत के मेजर हरभजन सिंह ने जवाबी कार्रवाई की कमान संभाली, जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल रॉय बच गए। अन्य दो अधिकारी उस दिन शहीद हो गए। तथ्य ये है कि चीनी ने कब्जा कर लिया था और उच्च जमीन से जटिल मामले से गोलीबारी कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय सैनिक खुले पृथ्वी परिदृश्य में उजागर हो रहे थे। रक्षा रिकॉर्ड के अनुसार शुरुआती चीनी हमले के लगभग 70 भारतीय कर्मियों की जान चली गई थी। भारतीय प्रतिक्रिया ने चीनियों को सचेत कर दिया। लोपरवाहों ने दुश्मनों की चौकियों पर सटीकता से प्रहार किया, जिसमें गंभीर व्यक्ति और भौतिक शक्ति हुई। अगले दिनों में चीनी टोल 300 के अधिक हो गए। दुश्मन ने विराम का आज्ञात किया और श्रद्धा में भारत सहमत हो गया, लेकिन चीनियों के पास अन्य डिजाइन थे। अभी भी अपने गोवा को चाटते हुए
धावों को चाटते हुए चीनी ने एक फखरावे के भीतर एक और दुस्साहस का सहारा लिया। नाथुला के उत्तर के कुछ मील किलोमीटर की दूरी पर स्थित चोला में स्वाइट 15450 सेकंड दौरे के ठीक बीच में 30 मीटर ऊंचा एक डिवाइन खिलाखंड था। 7.11 गोरखा रेजिमेंट ने को कंपनियों के 4 पल्टन, 1 सेकंड पल्टन ए एस सेमुअल के नेतृत्व में और दूसरा लेफ्टिनेंट आर एस राठौर के नेतृत्व में ने 0.1540 को अपने आसपास पौधों पर कब्जा कर लिया। अब 1 अक्टूबर को सुबह लगभग 9:15 चीनो सैनिकों के वल्डर से स्वामित्व को लेकर फायरल्ड प्लाटून कमांडर नायब सुबेदार ज्ञान जब बहादुर लिम्बो के साथ एक विवाद में प्रकाश किया। विभिन्न सैन्य खातों में कहा गया है कि नायब सुबेदार लिम्बू अपने एक पैर को बोल्डर के खिलाफ टिका कर रखा था। यहाँ तक कि वो घटनाएं तेजी से सामने आ रही थी। 7/11 GR बटालियन के SEO मेजर KB जोशी जो 0.15450 के पूर्व में राय गांव में थे, जिसके लिए वो रास्ते में थे, उन्होंने देखा कि चीनी सैनिकों ने सितरों की चौकी को घेर लिया था जहां गायब सूबेदार लिम्बू चौक रहे थे। प्रतिद्वंदी कंपनी कमांडर और राजनीतिक कमांडर के खिलाफ मेजर जोशी तुरंत लेफ्टिनेंट राठौर के पास पहुंचे और उन्हें बताया कि उन्होंने क्या देखा, लेकिन फिर भी चीनियों ने तब तक मामले को सशस्त्र टकराव तक बढ़ा दिया था। एक चीनी सैनिक ने नायब सूबेदार लिम्बू के बाह पर संगीत लगाया। प्रतिक्रिया तेज थी, सुकुरी कभी असफल नहीं हुई। दोनों पक्ष करीब से फायरिंग में लगी हुई थे। लांस कमांडर नायक कृष्णा बहादुर ने प्रहारी का नेतृत्व दिया। उसके पीछे नायक सुबेदार लिम्बू थे जिन्होंने निकट युद्ध में दुश्मन में मुकाबला किया। एक बार जब उनका बारूद खत्म हो गया तो दोनों ने दुश्मन पर अपनी टुकड़ी से हमला किया, लेकिन मशीन गन की आग में गिर गए। लेफ्टिनेंट राठौर के बाह हाथ पर चोट लगने पे दुश्मन ने अपनी मारक क्षमता को तमचे मीटर प्रति पोजीशन और रॉय गो पर केंद्रित किया था, जहां टेन जैसे राइफल द्वारा अभी भी राइफल वेल्स का संचालन किया जा रहा था। भले ही जेबियो को राइफल्स को बड़ी खनी हुई है, लेकिन उन्होंने अपनी पोस्ट को दुश्मन के हाथों में नहीं पड़ने दिया। उन्हें पास के फाइंड 1.518A1 के मीडियम मशीन गन फायर द्वारा समर्थित किया गया था। उसके अलावा चोला आय उसके दक्षिण पश्चिमी टबिन हिटर्स में पोस्ट भी हमले के अधीन थे। फिल्म में अर्जुन रामपाल, जैकी श्रॉफ, सोनू सूद, हर्षवर्धन राणे, ईर्षा गुप्ता, सोनल चौहान, मनिका गिल और दीपिका कक्कर जैसे सितारे हैं। LOC और बॉर्डर के विपरीत, जिसमें पाकिस्तान के साथ भारत की लड़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। पल्टन के साथ JP दत्ता ने अपना ध्यान पूर्व की और लगाया। बॉर्डर 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान लंबे वाला की लड़ाई एक काल्पनिक विवरण था, जबकि LOC ऑपरेशन विजय और 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान टोलोलिंग की लड़ाई से प्रेरित था। JP दत्ता की अधिकांश फिल्म की तरह आप उच्च सेविपल की उम्मीद कर सकते हैं। पल्टन में भी देशभक्ति, लेकिन वॉल्यूम को हटा दे और आपके पास वास्तव में असंभव बाधाओं के सामने वीरता की कहानी है, जो 1967 के पतन में सिक्किम में वास्तव में क्या हुआ था। JP दत्ता की पल्टन के प्रेरित करने वाला नाथुला और चोला संघर्ष, तो 1967 के पतन में सिक्किम में वास्तव में क्या हुआ था। JP दत्ता की पल्टन को प्रेरित करने वाले नाथुला और चीला संघर्ष क्या था, जिसके जैसे कि ये निकला, ये सब एक थी
बिल्डर से शुरू हुआ। 1962 के युद्ध के बाद से भारत और चीन के बीच बढ़ गया, जबकि 1965 में भारत की पश्चिमी सीमा पर एक नया युद्ध आ गया था। बैंकिंग अब बेजिंग तिब्बत सिक्किम सीमा पर रणनीतिक रूप में महत्वपूर्ण नाथुला को खाली करने के लिए नई दिल्ली को मजबूर किया कर रहा था। ये तथ्य कि सिक्किम भारत के संरक्षण के में था चीनियों को परेशान करता था। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा चीनी भाई मकमोहन रेखा को कभी स्वीकार नहीं किया और इसलिए सिक्किम को दक्षिणी तिब्बत और इस तरह चीन के विस्तार के रूप में देखा। हालांकि 17 माउंटेन डिजाइन के जीओसी जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल सागर सिंह और अक्सर भारतीय सेना से सबसे अच्छे फील्ड लीडर्स में से एक माने जाते हैं ने नाथुल लाज को छोड़ने से इनकार कर दिया। इसने ये भी मदद की कि उन्हें तत्कालीन पूर्व सेना कमांडर्स में सेम मानेकशॉ और कोर कमांडर जगजीत सिंह करोड़ा का समर्थन प्राप्त था। सितंबर 1967 के राजनीतिक खतरों और सीमा पर अकसावे के कारण भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच अपना सामना हुआ। 11 सितंबर को सुबह 5:30 के बजे सीतो चीनी लोफखाने मीटर्स और रिकॉल से गोलियों की अचानक गोलाबारी ने 70 फील्ड रेजिमेंट के सैनिक और 18 राजपूतों को मारा, जब वे नाथुला से सेबी इला तक की सीमा का सीमांकन करते हुए एक बायर लगाने के अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। एक किलोमीटर दूर ऊंची जमीन पर स्थित एक अवलोकन पोस्ट और चीनी पक्ष का एक दृश्य प्रस्तुत किया। दो ग्रेनेडियर्स की सीओ लेफ्टिनेंट कर्नल रॉय सिंह और उनकी पलटन ने, जबकि कार्रवाई की लेफ्टिनेंट कर्नल राय के अन्य सैनिकों को पीछे हटने के लिए कवर फायर प्रदान करने के लिए स्वयं लाइव मशीन गन का संचालन किया। इस प्रक्रिया में एक गोली उसके पेट में लगी और दूसरी गोली रिकोपेट करके उसे खाली करते समय सी के पीछे लगी। अपने सीओ के अस्वस्थ होने पर दो अधिकारियों दो ग्रेनेडियर्स के कैप्टन डायर और 18 राजपूत के मेजर हरभजन सिंह ने जवाबी कार्रवाई की कमान संभाली, जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल रॉय बच गए। अन्य दो अधिकारी उस दिन शहीद हो गए। तथ्य ये है कि चीनी ने कब्जा कर लिया था और उच्च जमीन से जटिल मामले से गोलीबारी कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय सैनिक खुले पृथ्वी परिदृश्य में उजागर हो रहे थे। रक्षा रिकॉर्ड के अनुसार शुरुआती चीनी हमले के लगभग 70 भारतीय कर्मियों की जान चली गई थी। भारतीय प्रतिक्रिया ने चीनियों को सचेत कर दिया। लोपरवाह ने दुश्मनों की चौकियों पर सटीकता से प्रहार किया, जिसमें गंभीर व्यक्ति और भौतिक शक्ति हुई। अगले दिनों में चीनी टोल 300 के अधिक हो गए। दुश्मन ने युद्ध विराम का आज्ञा किया और श्रद्धा में भारत सहमत हो गया, लेकिन चीनियों के पास अन्य डिजाइन थे। अभी भी अपने धावों को चाटते हुए चीनी ने एक फखरावे के भीतर एक और दुस्वाहर का सहारा लिया। नाथुला के उत्तर के कुछ मिल किलोमीटर की दूरी पर स्थित चोला में स्वाइट 15450 सेकंड दौरे के ठीक बीच में 30 मीटर ऊंचा एक डिवाइन खिलाखंड था। 7.11 गोरखा रेजिमेंट ने को कंपनियों के चार पलटन एक सेकंड पलटन एएस सेमुअल के नेतृत्व में और दूसरा लेफ्टिनेंट आरएस राठौर के नेतृत्व में ने 0.1540 को अपने आसपास पौधों पर कब्जा कर लिया। और 1 अक्टूबर को सुबह लगभग 9:15 बजे चीनों सैनिकों के वेल्डर से सामित्व को लेकर फायरल्ड प्लाटून
कमांडर नायब सूबेदार ज्ञान जब बहादुर लिम्बो के साथ एक विवाद में प्रकाश किया। विभिन्न सैन्य खातों में कहा गया है कि नायब सूबेदार लिम्बू अपने एक पैर को बोल्डर के खिलाफ टिका कर रखा था। यहाँ तक कि वो घटनाएं तेजी से सामने आ रही थी। 7/11 GR बटालियन के CO मेजर KB जोशी जो पॉइंट 15450 के पूर्व में राय गांव में थे, जिसके लिए वो रास्ते में थे, उन्होंने देखा कि चीनी सैनिकों ने सितरों की चौकी को घेर लिया था, जहां गायब सूबेदार लिम्बू चौक रहे थे। प्रतिद्वंदी कंपनी कमांडर और राजनीतिक कमांडर के खिलाफ मेजर जोशी तुरंत लेफ्टिनेंट राठौर के पास पहुंचे और उन्हें बताया कि उन्होंने क्या देखा, लेकिन फिर भी चीनियों ने तब तक मामले को सशस्त्र टकराव तक बढ़ा दिया था। एक चीनी सैनिक ने नायब सूबेदार लिम्बू के बाह पर संगीत लगाया। प्रतिक्रिया तेज थी, सुकुरी कभी असफल नहीं हुई। दोनों पक्ष करीब से फायरिंग में लगी हुई थे। लांस कमांडर नायक कृष्णा बहादुर ने बहावरी का नेतृत्व दिया। उसके पीछे नायक सूबेदार लिम्बू थे, जिन्होंने निकट युद्ध में दुश्मन में मुकाबला किया। एक बार जब उनका बारूद खत्म हो गया तो दोनों ने दुश्मन पर अपनी टुकड़ी से हमला किया, लेकिन मशीन गन की आग में गिर गए। लेफ्टिनेंट राठौर के बाह हाथ पर चोट लगने पे दुश्मन ने अपनी मारक क्षमता को तमचे मीटर प्रति पोजीशन और रॉय गोप पर केंद्रित किया था, जहां टेन जैसे राइफल द्वारा अभी भी राइफल वेल्स का संचालन किया जा रहा था। भले ही जेबे को राइफल्स को बड़ी खनी हुई है, लेकिन उन्होंने अपनी पोस्ट को दुश्मन के हाथों में नहीं पड़ने दिया। उन्हें पास के फाइंड 1.518A1 के मीडियन मशीन गन फायर द्वारा समर्थित किया गया था। उसके अलावा चोला आय उसके दक्षिण पश्चिमी टबिन हिटर्स में पोस्ट भी हमले के अधीन थे। फिल्म में अर्जुन रामपाल, जैकी श्रॉफ, सोनू सूद, हर्षवर्धन राणे, ईर्षा गुप्ता, सोनल चौहान, मनिका गिल और दीपिका कक्कड़ जैसे सितारे हैं। LOC और बॉर्डर के वितरित, जिसमें पाकिस्तान के साथ भारत की लड़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। पलटन के साथ JP दत्ता ने अपना ध्यान पूर्व की और लगाया। बॉर्डर 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान लंबे वाला की लड़ाई के एक काल्पनिक विवरण था, जबकि LOC ऑपरेशन विजय और 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान टोलोलिंग की लड़ाई से प्रेरित था। JP दत्ता की अधिकांश फिल्म की तरह आप उच्च सेविपल की उम्मीद पर सकते हैं। पलटन में भी देशभक्ति, लेकिन वॉल्यूम को हटा दे और आपके पास वास्तव में असंभव बाधाओं के सामने वीरता की कहानी है। तो 1967 के पतन में सिक्किम में वास्तव में क्या हुआ था, JP दत्ता की पलटन के प्रेरित करने वाला नाथुला और चोला संघर्ष। तो 1967 के पतन में सिक्किम में वास्तव में क्या हुआ था, JP दत्ता की पलटन को प्रेरित करने वाले नाथुला और चीला संघर्ष क्या था, जिसके जैसे कि ये निकला, ये सब एक थी बिल्डर से शुरू हुआ। 1962 के युद्ध के बाद से भारत और चीन के बीच बढ़ गया, जबकि 1965 में भारत की पश्चिमी सीमा पर एक नया युद्ध आ गया था। बैंकिंग अब बेजिंग तिब्बत सिक्किम सीमा पर रणनीतिक रूप में महत्वपूर्ण नाथुला को खाली करने के लिए नई दिल्ली को मजबूर किया कर रहा था। ये तथ्य कि सिक्किम भारत के संरक्षण के में था, चीनियों को परेशान करता था। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा चीनी भाई मोकमोहन रेखा को कभी स्वीकार नहीं किया और इसलिए सिक्किम को दक्षिणी तिब्बत और इस तरह चीन के विस्तार के रूप में देखा। हालांकि 17 माउंटेन डिजाइन के GOC जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल सागर
सिंह और अक्सर भारतीय सेना से सबसे अच्छे फील्ड लीडर्स में से एक माने जाते हैं ने नाथुल लाज को छोड़ने से इनकार कर दिया। इसने ये भी मदद की कि उन्हें तत्कालीन पूर्वी सेना कमांडर सेम मानेकशॉ और कोर कमांडर जगजीत सिंह करोड़ा का समर्थन प्राप्त था। दिसंबर 1967 के राजनीतिक खतरों और सीमा पर अकसावे के कारण भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच अपना सामना हुआ। 11 सितंबर को सुबह 5:30 के बजे सीतों चीनी लोपखाने मीटर्स और रिकॉल से गोलियों की अचानक गोलाबारी ने 70 फील्ड रेजिमेंट के सैनिक और 18 राजपूतों को मारा, जब वे नाथुला से सेबी ला तक की सीमा का सीमांकन करते हुए एक बायड और वार लगाने के अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। एक किलोमीटर दूर ऊंची जमीन पर स्थित एक अवलोकन पोस्ट और चीनी पक्ष का एक दृश्य प्रस्तुत किया। दो ग्रेनेडियर्स की सीओ लेफ्टिनेंट कर्नल रॉय सिंह और उनके पलटन ने, जबकि कार्रवाई की लेफ्टिनेंट कर्नल राय के अन्य सैनिकों को पीछे हटने के लिए कवर फायर प्रदान करने के लिए स्वयं लाइव मशीन गन का संचालन किया। इस प्रक्रिया में एक गोली उसके पेट में लगी और दूसरी गोली रिकोपेट करके उसे खाली करते समय सी के पीछे लगी। अपने सीओ के अस्वस्थ होने पर दो ग्रेनेडियर्स के कैप्टन डायर और 18 राजपूत के मेजर हरभजन सिंह ने जवाबी कार्रवाई की कमान संभाली, जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल रॉय बच गए। अन्य दो अधिकारी उस दिन शहीद हो गए। तथ्य ये है कि चीनी ने कब्जा कर लिया था और उच्च जमीन से जटिल मामले से गोलीबारी कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय सैनिक खुले पृथ्वी परिदृश्य में उजागर हो रहे थे। रक्षा रिकॉर्ड के अनुसार शुरुआती चीनी हमले के लगभग 70 भारतीय कर्मियों की जान चली गई थी। भारतीय प्रतिज्ञा ने चीनियों को सचेत कर दिया। लोपरवाहों ने दुश्मनों की चौकियों पर सटीकता से प्रहार किया, जिसमें गंभीर व्यक्ति और भौतिक शक्ति हुई। अगले दिनों में चीनी टोल 300 के अधिक हो गए। दुश्मन ने विराम का आघात किया और श्रद्धा में भारत सहमत हो गया, लेकिन चीनियों के पास अन्य डिजाइन थे। अभी भी अपने गोवा को चाटते हुए धाबों को चाटते हुए चीनी ने एक फखरावे के भीतर एक और दुस्साहस का सहारा लिया। नाथुला के उत्तर के कुछ मील किलोमीटर की दूरी पर स्थिर चोला में स्वाइट 15450 सेकंड दौरे के ठीक बीच में 30 मीटर ऊंचा एक डिवाइन खिलाखंड था। 7.11 गोरखा रेजिमेंट ने को कंपनियों के 4 पलटन, 1 सेकंड पलटन ए एस सेमुअल के नेतृत्व में और दूसरा लेफ्टिनेंट आर एस राठौर के नेतृत्व में ने 0.1540 को अपने आसपास पौधों पर कब्जा कर लिया। और 1 अक्टूबर को सुबह लगभग 9:15 बजे चीनों सैनिकों के वल्डर से स्वामित्व को लेकर फायरल्ड प्लाटून कमांडर नायब सुबेदार ज्ञान जब बहादुर लिम्बो के साथ एक विवाद में प्रकाश किया। विभिन्न सैन्य खातों में कहा गया है कि नायब सुबेदार लिम्बू अपने एक पैर को बोल्डर के खिलाफ टिका कर रखा था। यहाँ तक कि वो घटनाएं तेजी से सामने आ रही थी। 7/11 GR बटालियन के सीओ मेजर KB जोशी जो 0.1545 के पूर्व में राय गांव में थे, जिसके लिए वो रास्ते में थे, उन्होंने देखा कि चीनी सैनिकों ने सितरों की चौकी को घेर लिया था, जहां गायब सूबेदार लिंबू चौक रहे थे। प्रतिद्वंदी कंपनी कमांडर और राजनीतिक कमांडर के खिलाफ मेजर जोशी तुरंत लेफ्टिनेंट राठौर के पास पहुंचे और उन्हें बताया कि उन्होंने क्या देखा, लेकिन
फिर भी चीनियों ने तब तक मामले को सशस्त्र टकराव तक बढ़ा दिया था। एक चीनी सैनिक ने नायब सूबेदार लिंबू की बाह पर संगी लगाया। प्रतिक्रिया तेज थी, सुकुरी कभी असफल नहीं हुई। दोनों पक्ष करीब से फायरिंग में लगी हुई थे। लांस कमांडर नायक कृष्णा बहादुर ने प्रहारी का नेतृत्व दिया। उसके पीछे नायब सूबेदार लिंबू थे, जिन्होंने निकट युद्ध में दुश्मन में मुकाबला किया। एक बार जब उनका बारूद खत्म हो गया तो दोनों ने दुश्मन पर अपनी टुकड़ी से हमला किया, लेकिन मशीन गन की आग में गिर गए। लेफ्टिनेंट राठौर के बाह हाथ पर चोट लगने पे दुश्मन ने अपनी मारक क्षमता को तमचे मीटर प्रति पोजीशन और रॉय गोप पर केंद्रित किया था, जहां ट्रेन जैसे राइफल द्वारा अभी भी राइफल वेल्स का संचालन किया जा रहा था। भले ही जेबियो को राइफल्स को बड़ी खनी हुई है, लेकिन उन्होंने अपने पोस्ट को दुश्मन के हाथों में नहीं पड़ने दिया। उन्हें पास के फाइंड 1.5-1.8A1 के मीडियन मशीन गन फायर द्वारा समर्थित किया गया था। उसके अलावा चोला आय उसके दक्षिण पश्चिमी टबिन हिटर्स में पोस्ट भी हमले के अधीन थे। फिल्म में अर्जुन रामपाल, जैकी श्रॉफ, सोनू सूद, हर्षवर्धन राणे, ईर्षा गुप्ता, सोनल चौहान, मनिका गिल और दीपिका कक्कर जैसे सितारे हैं। LOC और बॉर्डर के वितरित जिसमें पाकिस्तान के साथ भारत की लड़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। पलटन के साथ JP दत्ता ने अपना ध्यान पूर्व की और लगाया। बॉर्डर 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान लंबे वाला की लड़ाई एक काल्पनिक विवरण था, जबकि LOC ऑपरेशन विजय और 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान टोलोलिंग की लड़ाई से प्रेरित था। JP दत्ता की अधिकांश फिल्म की तरह आप उच्च सेविपल की उम्मीद कर सकते हैं। पलटन में भी देशभक्ति, लेकिन वह वॉल्यूम को हटा दे और आपके पास वास्तव में असंभव बाधाओं के सामने वीरता की कहानी है, जो 1967 के पतन में सिक्किम में वास्तव में क्या हुआ था। JP दत्ता की पलटन के प्रेरित करने वाला नाथुला और चोला संघर्ष, तो 1967 के पतन में सिक्किम में वास्तव में क्या हुआ था, JP दत्ता की पलटन को प्रेरित करने वाले नाथुला और चीला संघर्ष क्या था, इसके जैसे कि ये निकला, ये सब एक थी बिल्डर से शुरू हुआ। 1962 के युद्ध के बाद से भारत और चीन के बीच बढ़ गया, जबकि 1965 में भारत की पश्चिमी सीमा पर एक नया युद्ध आ गया था। बैंकिंग अब बेजिंग तिब्बत सिक्किम सीमा पर रणनीतिक रूप में महत्वपूर्ण नाथुला को खाली करने के लिए नई दिल्ली को मजबूर किया कर रहा था। ये तथ्य कि सिक्किम भारत के संरक्षण के में था चीनियों को परेशान करता था। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा चीनी भाई मोकमोहन रेखा को कभी स्वीकार नहीं किया और इसलिए सिक्किम को दक्षिणी तिब्बत और इस तरह चीन के विस्तार के रूप में देखा। हालांकि 17 माउंटेन डिजाइन के GOC जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल सागर सिंह और अक्सर भारतीय सेना से सबसे अच्छे फील्ड लीडर्स में से एक माने जाते हैं, ने नाथुला को छोड़ने से इनकार कर दिया। इसने ये भी मदद की कि उन्हें तत्कालीन पूर्व सेना कमांडर्स में सेम मानेकशॉ और कोर कमांडर जगजीत सिंह करोड़ा का समर्थन प्राप्त था। सितंबर 1967 के राजनीतिक खतरों और सीमा पर अकसावे के कारण भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच अपना सामना हुआ। 11 सितंबर को सुबह 5:30 के बजे चीनी लोपखाने मीटर्स और रिकॉल से गोलियों की अचानक गोलाबारी ने 70 फील्ड रेजिमेंट के सैनिक और 18 राजपूतों को मारा, जब वे नाथुला से सेबी इलाके की सीमा का सीमांकन करते हुए एक
वाइड वार लगाने के अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। एक किलोमीटर दूर ऊंची जमीन पर स्थित एक अवलोकन पोस्ट और चीनी पक्ष का एक दृश्य प्रस्तुत किया। दो ग्रेनेडियर्स की सीओ लेफ्टिनेंट कर्नल रॉय सिंह और उनके पलटन ने, जबकि कार्रवाई की लेफ्टिनेंट कर्नल राय के अन्य सैनिकों को पीछे हटने के लिए कवर फायर प्रदान करने के लिए सैंग लाइव मशीन गन का संचालन किया। इस प्रक्रिया में एक गोली उसके पेट में लगी और दूसरी गोली रिकोपेट करके उसे खाली करते समय सी के पीछे लगी। अपने सीओ के अस्वस्थ होने पर दो अधिकारी, दो ग्रेनेडियर्स के कैप्टन डायर और 18 राजपूत के मेजर हरभजन सिंह ने जवाबी कार्रवाई की कमान संभाली, जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल रॉय बच गए। अन्य दो अधिकारी उस दिन शहीद हो गए। तथ्य ये है कि चीनी ने कब्जा कर लिया था और उच्च जमीन से जटिल मामले से गोलीबारी कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय सैनिक खुले पृथ्वी परिदृश्य में उजागर हो रहे थे। रक्षा रिकॉर्ड के अनुसार शुरुआती चीनी हमले के लगभग 70 भारतीय कर्मियों की जान चली गई थी। भारतीय प्रतिक्रिया ने चीनियों को सचेत कर दिया। लोप्रभाव ने दुश्मनों की चौकियों पर सटीकता से प्रहार किया, जिसमें गंभीर व्यक्ति और भौतिक शक्ति हुई। अगले दिनों में चीनी टोल 300 के अधिक हो गए। दुश्मन ने विराम का आज्ञात किया और श्रद्धा में भारत सहमत हो गया, लेकिन चीनियों के पास अन्य डिजाइन थे। अभी भी अपने गोवा को चाटते हुए धाबों को चाटते हुए चीनी ने एक फखरावे के भीतर एक और दुस्साहस का सराहा लिया। नाथुला के उत्तर के कुछ मील किलोमीटर की दूरी पर स्थिर शोला में स्वाइट 15450 सेकंड दौरे के ठीक बीच में 30 मीटर ऊंचा एक डिवाइन खिलाखंड था। 7.11 गोरखा रेजिमेंट ने को कंपनी के 4 पलटन, 1 सेकंड पलटन ए एस सेमुअल के नेतृत्व में और दूसरा लेफ्टिनेंट आर एस राठौर के नेतृत्व में ने 0.1540 को अपने आसपास पौधों पर कब्जा कर लिया। और 1 अक्टूबर को सुबह लगभग 9:15 चीनो सैनिकों के वल्डर से स्वामित्व को लेकर फायरल्ड प्लाटून कमांडर नायब सूबेदार ज्ञान जब बहादुर लिम्बो के साथ एक विवाद में प्रकाश किया। विभिन्न सैन्य खातों में कहा गया है कि नायब सूबेदार लिम्बू अपने एक पैर को बोल्डर के खिलाफ टिका कर रखा था। यहाँ तक कि वो घटनाएं तेजी से सामने आ रही थी। 7/11 GR बटालियन के सीओ मेजर KB जोशी जो 0.15450 के पूर्व में राय गांव में थे, जिसके लिए वो रास्ते में थे, उन्होंने देखा कि चीनी सैनिकों ने सितरों की चौकी को घेर लिया था, जहां गायब सूबेदार लिंबू चौक रहे थे। प्रतिद्वंदी कंपनी कमांडर और राजनीतिक कमांडर के खिलाफ मेजर जोशी तुरंत लेफ्टिनेंट राठौर के पास पहुंचे और उन्हें बताया कि उन्होंने क्या देखा, लेकिन फिर भी चीनियों ने तब तक मामले को सशस्त्र टकराव तक बढ़ा दिया था। एक चीनी सैनिक ने नायब सूबेदार लिंबू के बाह पर संगीत लगाया। प्रतिक्रिया तेज थी, सुकुरी कभी असफल नहीं हुई। दोनों पक्ष करीब से फायरिंग में लगी हुई थे। लांस कमांडर नायक कृष्णा बहादुर ने प्रहारी का नेतृत्व दिया। उसके पीछे नायक सूबेदार लिंबू थे, जिन्होंने निकट युद्ध में दुश्मन में मुकाबला किया। एक बार जब उनका बारूद खत्म हो गया तो दोनों ने दुश्मन पर अपनी टुकड़ी से हमला किया, लेकिन मशीन गन की आग में गिर गए। लेफ्टिनेंट राठौर के बाह हाथ पर चोट लगने पर दुश्मन ने अपनी मारक
क्षमता को तमचे मीटर प्रति पोजीशन और रॉय गोप पर केंद्रित किया था, जहां टेन जैसे राइफल द्वारा अभी भी राइफल वेयर्स का संचालन किया जा रहा था। भले ही जेबे को राइफल्स का बड़ी खनी हुई है, लेकिन उन्होंने अपनी पोस्ट को दुश्मन के हाथों में नहीं पड़ने दिया। उन्हें पास के फाइंड 1.5181 के मीडियन मशीन गन फायर द्वारा समर्थित किया गया था। उसके अलावा चोला आय उसके दक्षिण पश्चिमी टबिन हिटर्स में पोस्ट भी हमले के अधीन थे। फिल्म में अर्जुन रामपाल, जैकी श्रॉफ, सोनू सूद, हर्षवर्धन राणे, ईर्षा गुप्ता, सोनल चौहान, मनिका गिल और दीपिका कक्कड़ जैसे सितारे हैं। LOC और बॉर्डर के विपरीत, जिसमें पाकिस्तान के साथ भारत की लड़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। पलटन के साथ JP दत्ता ने अपना ध्यान पूर्व की और लगाया। बॉर्डर 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान लंबे वाला की लड़ाई एक काल्पनिक विवरण था, जबकि LOC ऑपरेशन विजय और 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान टोलोलिंग की लड़ाई से प्रेरित था। JP दत्ता की अधिकांश फिल्म की तरह आप उच्च सेविपल की उम्मीद पर सकते हैं। पलटन में भी देशभक्ति, लेकिन वह वॉल्यूम को हटा दे और आपके पास वास्तव में असंभव बाधाओं के सामने वीरता की कहानी है, जो 1967 के पतन में सिक्किम में वास्तव में क्या हुआ था। JP दत्ता की पलटन के प्रेरित करने वाला नाथुला और चोला संघर्ष, तो 1967 के पतन में सिक्किम में वास्तव में क्या हुआ था, JP दत्ता की पलटन को प्रेरित करने वाले नाथुला और चीला संघर्ष क्या था, जिसके जैसे कि ये निकला, ये सब एक थी बिल्डर से शुरू हुआ। 1962 के युद्ध के बाद से भारत और चीन के बीच बढ़ गया, जबकि 1965 में भारत की पश्चिमी सीमा पर एक नया युद्ध आ गया था। बैंकिंग अब बेजिंग तिब्बत सिक्किम सीमा पर रणनीतिक रूप में महत्वपूर्ण नाथुला को खाली करने के लिए नई दिल्ली को मजबूर किया कर रहा था। ये तथ्य कि सिक्किम भारत के संरक्षण के में था, चीनियों को परेशान करता था। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा चीनी भाई मोकमोहन रेखा को कभी स्वीकार नहीं किया, और इसलिए सिक्किम को दक्षिणी तिब्बत और इस तरह चीन के विस्तार के रूप में देखा। हालांकि 17 माउंटेन डिजाइन के GOC जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल सागर सिंह और अक्सर भारतीय सेना से सबसे अच्छे फील्ड लीडर्स में से एक माने जाते हैं, ने नाथुल लाज को छोड़ने से इनकार कर दिया। इसने ये भी मदद की कि उन्हें तत्कालीन पूर्व सेना कमांडर में सेम मानेकशॉ और कोर कमांडर जगजीत सिंह करोड़ा का समर्थन प्राप्त था। दिसंबर 1967 के राजनीतिक खतरों और सीमा पर अकसावे के कारण भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच अपना सामना हुआ। 11 सितंबर को सुबह 5:30 के बजे सीतों चीनी लोपखाने मीटर्स और रिकॉल से गोलियों की अचानक गोलाबारिश ने 70 फील्ड रेजिमेंट के सैनिक और 18 राजपूतों को मारा, जब वे नाथुला से सेबी इला तक की सीमा का सीमांकन करते हुए एक बायर लगाने के अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। एक किलोमीटर दूर ऊंची जमीन पर स्थित एक अवलोकन पोस्ट और चीनी पक्ष का एक दृश्य प्रस्तुत किया। दो ग्रेनेडियर्स की CO लेफ्टिनेंट कर्नल रॉय सिंह और उनके पलटन ने, जबकि कार्रवाई की लेफ्टिनेंट कर्नल राय के अन्य सैनिकों को पीछे हटने के लिए कवर फायर प्रदान करने के लिए स्वयं लाइव मशीन गन का संचालन किया। इस प्रक्रिया में एक गोली उसके पेट में लगी और दूसरी गोली रिकोपेट करके उसे खाली करते समय सी के पीछे लगी। अपने CO के अस्वस्थ होने पर दो अधिकारियों, दो ग्रेनेडियर्स के कैप्टन डायर और 18 राजपूत के मेजर हरभजन सिंह ने जवाबी कार्रवाई की कमान संभाली, जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल रॉय बच गए।
अन्य दो अधिकारी उस दिन शहीद हो गए। तथ्य ये है कि चीनी ने कब्जा कर लिया था और उच्च जमीन से जटिल मामले से गोलीबारी कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय सैनिक खुले पृथ्वी परिदृश्य में उजागर हो रहे थे। रक्षा रिकॉर्ड के अनुसार शुरुआती चीनी हमले के लगभग 70 भारतीय कर्मियों की जान चली गई थी। भारतीय प्रतिज्ञा ने चीनियों को सचेत कर दिया। लोपरवाह ने दुश्मनों की चौकियों पर सटीकता से प्रहार किया, जिसमें गंभीर व्यक्ति और भौतिक शक्ति हुई। अगले दिनों में चीनी टोल 300 के अधिक हो गए। दुश्मन ने युद्ध विराम का आज्ञात किया और श्रद्धा में भारत सहमत हो गया, लेकिन चीनियों के पास अन्य डिजाइन थे। अभी भी अपने गोवा को चाटते हुए धाबों को चाटते हुए चीनी ने एक फकरावे के भीतर एक और दुस्वाहर का सराहा लिया। नाथुला के उत्तर के कुछ मिल किलोमीटर की दूरी पर स्थिर चोला में स्वाइट 15450 सेकंड दौरे के ठीक बीच में 30 मीटर ऊंचा एक डिवाइन खिलाखंड था। 7.11 गोरखा रेजिमेंट ने को कंपनियों के 4 पल्टन, 1 सेकंड पल्टन ए एस सेमुअल के नेतृत्व में और दूसरा लेफ्टिनेंट आर एस राठौर के नेतृत्व में ने 0.1540 को अपने आसपास पौधों पर कब्जा कर लिया। और 1 अक्टूबर को सुबह लगभग 9:15 चीनों सैनिकों के बल्डर से स्वामित्व को लेकर फायरल्ड प्लाटून कमांडर नायब सुबेदार ज्ञान जब बहादुर लिम्बो के साथ एक विवाद में प्रकाश किया। विभिन्न सैन्य खातों में कहा गया है कि नायब सुबेदार लिम्बो अपने एक पैर को बोल्डर के खिलाफ टिका कर रखा था। यहाँ तक कि वो घटनाएं तेजी से सामने आ रही थी। 7/11 GR बटालियन के CO मेजर KB जोशी जो 0.15450 के पूर्व में राय गांव में थे, जिसके लिए वो रास्ते में थे, उन्होंने देखा कि चीनी सैनिकों ने सितरों की चौकी को घेर लिया था, जहां गायब सूबेदार लिम्बू चौक रहे थे। प्रतिद्वंदी कंपनी कमांडर और राजनीतिक कमांडर के खिलाफ मेजर जोशी तुरंत लेफ्टिनेंट राठौर के पास पहुंचे और उन्हें बताया कि उन्होंने क्या देखा, लेकिन फिर भी चीनियों ने तब तक मामले को सशस्त्र टकराव तक बढ़ा दिया था। एक चीनी सैनिक ने नायब सूबेदार लिम्बू के बाह पर संगी लगाया। प्रतिक्रिया तेज थी, सुकुरी कभी असफल नहीं हुई। दोनों पक्ष करीब से फायरिंग में लगी हुई थे। लांस कमांडर नायक कृष्णा बहादुर ने फुहावरी का नेतृत्व दिया। उसके पीछे नायब सुबेदार लिम्बू थे, जिन्होंने निकट युद्ध में दुश्मन में मुकाबला किया। एक बार जब उनका बारूद खत्म हो गया तो दोनों ने दुश्मन पर अपनी टुकड़ी से हमला किया, लेकिन मशीन गन की आग में गिर गए। लेफ्टिनेंट राठौर के बाह हाथ पर चोट लगने पर दुश्मन ने अपनी मारक क्षमता को तमचे मीटर प्रति पोजीशन और रॉय गो पर केंद्रित किया था, जहां टेन जैसे राइफल द्वारा अभी भी राइफल वेल्स का संचालन किया जा रहा था। भले ही जेबे को राइफल्स को बड़ी खनी हुई था, लेकिन उन्होंने अपनी पोस्ट को दुश्मन के हाथों में नहीं पड़ने दिया। उन्हें पास के फाइंड 1.518A1 के मीडियन मशीन गन फायर द्वारा समर्थित किया गया था। उसके अलावा चोला आय उसके दक्षिण पश्चिम में टबिन हिटर्स में पोस्ट भी हमले के अधीन थे। फिल्म में अर्जुन रामपाल, जैकी श्रॉफ, सोनू सूद, हर्षवर्धन राणे, ईर्षा गुप्ता, सोनल चौहान, मनिका गिल और दीपिका कक्कड़ जैसे सितारे हैं।
एलओसी और बॉर्डर के वितरित, जिसमें पाकिस्तान के साथ भारत की लड़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। पलटन के साथ जेपी दत्ता ने अपना ध्यान पूर्व की और लगाया। बॉर्डर 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान लंबे वाला की लड़ाई एक काल्पनिक विवरण था, जबकि एलओसी ऑपरेशन विजय और 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान टोलोलिंग की लड़ाई से प्रेरित था। जेपी दत्ता की अधिकांश फिल्म की तरह आप उच्च सेविपल की उम्मीद कर सकते हैं। पलटन में भी देशभक्ति, लेकिन वह वॉल्यूम को हटा दे और आपके पास वास्तव में असंभव संभव बाधाओं के सामने वीरता की कहानी है। जो 1967 के पतन में सिक्किम में वास्तव में क्या हुआ था। जेपी दत्ता की पलटन के प्रेरित करने वाला नाथुला और चोला संघर्ष। तो 1967 के पतन में सिक्किम में वास्तव में क्या हुआ था। जेपी दत्ता की पलटन को प्रेरित करने वाले नाथुला और चीला संघर्ष क्या था, इसके जैसे कि ये निकला, ये सब एक थी बिल्डर से शुरू हुआ। 1962 के युद्ध के बाद से भारत और चीन के बीच बढ़ गया, जबकि 1965 में भारत की पश्चिमी सीमा पर एक नया युद्ध आ गया था। बैंकिंग अब बेजिंग तिब्बत सिक्किम सीमा पर रणनीतिक रूप में महत्वपूर्ण नाथुला को खाली करने के लिए नई दिल्ली को मजबूर किया कर रहा था। ये तथ्य कि सिक्किम भारत के संरक्षण के में था चीनियों को परेशान करता था। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा चीनी भाई मकमोहन रेखा को कभी स्वीकार नहीं किया और इसलिए सिक्किम को दक्षिणी तिब्बत और इस तरह चीन के विस्तार के रूप में देखा। हालांकि 17 माउंटेन डिजाइन के जीओसी जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल सागर सिंह और अक्सर भारतीय सेना से सबसे अच्छे फील्ड लीडर्स में से एक माने जाते हैं ने नाथुला को छोड़ने से इनकार कर दिया। इसने ये भी मदद की कि उन्हें तत्कालीन पूर्व सेना कमांडर में सेम मानेकशॉ और कोर कमांडर जगजीत सिंह करोड़ा का समर्थन प्राप्त था। सितंबर 1967 के राजनीतिक खतरों और सीमा पर अकसावे के कारण भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच अपना सामना हुआ। 11 सितंबर को सुबह 5:30 के बजे सीतो चीनी लोपखाने मीटर्स और रिकॉल से गोलियों की अचानक गोलाबारी ने 70 फील्ड रेजिमेंट के सैनिक और 18 राजपूतों को मारा, जब वे नाथुला से सेवी इला तक की सीमा का सीमांकन करते हुए एक बायड वार लगाने के अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। एक किलोमीटर दूर ऊंची जमीन पर स्थित एक अवलोकन पोस्ट और चीनी पक्ष का एक दृश्य प्रस्तुत किया। दो ग्रेनेडियर्स की सीओ लेफ्टिनेंट कर्नल रॉय सिंह और उनके पलटन ने, जबकि कार्रवाई की लेफ्टिनेंट कर्नल राय के अन्य सैनिकों को पीछे हटने के लिए कवर फायर प्रदान करने के लिए स्वयं लाइव मशीन गन का संचालन किया। इस प्रक्रिया में एक गोली उसके पेट में लगी और दूसरी गोली रिकोपेट करके उसे खाली करते समय सिर के पीछे लगी। अपने सीओ के अस्वस्थ होने पर दो अधिकारियों, दो ग्रेनेडियर्स के कैप्टन डायर और 18 राजपूत के मेजर हरभजन सिंह ने जवाबी कार्रवाई की कमान संभाली, जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल रॉय बच गए। अन्य दो अधिकारी उस दिन शहीद हो गए। तथ्य ये है कि चीनी ने कब्जा कर लिया था और उच्च जमीन से जटिल मामले से गोलीबारी कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय सैनिक खुले पृथ्वी
परिदृश्य में उजागर हो रहे थे। रक्षा रिकॉर्ड के अनुसार शुरुआती चीनी हमले के लगभग 70 भारतीय आर्मियों की जान चली गई थी। भारतीय प्रतिज्ञा ने चीनियों को सचेत कर दिया। लापरवाहों ने दुश्मनों की चौकियों पर सटीकता से प्रहार किया, जिसमें गंभीर व्यक्ति और भौतिक शक्ति हुई। अगले दिनों में चीनी टोल 300 के अधिक हो गए। दुश्मन ने विराम का आज्ञात किया और श्रद्धा में भारत सहमत हो गया, लेकिन चीनियों के पास अन्य डिजाइन थे। अभी भी अपने गोवा को चाटते हुए धावों को चाटते हुए चीनी ने एक फखरावे के भीतर एक और दुस्साहस का सहारा लिया। नाथुला के उत्तर के कुछ मील किलोमीटर की दूरी पर स्थिर चोला में स्वाइट 15450 सेकंड दौड़े के ठीक बीच में 30 मीटर ऊंचा एक डिवाइन खिलाखंड था। 7.11 गोरखा रेजिमेंट ने को कंपनियों के 4 पल्टन, 1 सेकंड पल्टन ए एस सेमुअल के नेतृत्व में और दूसरा लेफ्टिनेंट आर एस राठौर के नेतृत्व में ने 0.1540 को अपने आसपास पौधों पर कब्जा कर लिया। अब 1 अक्टूबर को सुबह लगभग 9:15 बजे चीनो सैनिकों के वल्डर से सामित्व को लेकर फायरल्ड प्लाटून कमांडर नायब सूबेदार ज्ञान जब बहादुर लिम्बो के साथ एक विवाद में प्रकाश किया। विभिन्न सैन्य खातों में कहा गया है कि नायब सूबेदार लिम्बू अपने एक पैर को बोल्डर के खिलाफ टिका कर रखा था। यहाँ तक कि वो घटनाएं तेजी से सामने आ रही थी। 7/11 GR बटालियन के CO मेजर KB जोशी जो 0.15450 के पूर्व में राय गांव में थे, जिसके लिए वो रास्ते में थे, उन्होंने देखा कि चीनी सैनिकों ने सितरों की चौकी को घेर लिया था, जहां गायब सूबेदार लिंबू चौक रहे थे। प्रतिद्वंदी कंपनी कमांडर और राजनीतिक कमांडर के खिलाफ मेजर जोशी तुरंत लेफ्टिनेंट राठौर के पास पहुंचे और उन्हें बताया कि उन्होंने क्या देखा, लेकिन फिर भी चीनियों ने तब तक मामले को सशस्त्र टकराव तक बढ़ा दिया था। एक चीनी सैनिक ने नायब सूबेदार लिंबू के बाह पर संगीत लगाया। प्रतिक्रिया तेज थी, सुकुरी कभी असफल नहीं हुई। दोनों पक्ष करीब से फायरिंग में लगी हुई थे। लांस कमांडर नायक कृष्णा बहादुर ने प्रहारी का नेतृत्व दिया। उसके पीछे नायक सूबेदार लिंबू थे, जिन्होंने निकट युद्ध में दुश्मन में मुकाबला किया। एक बार जब उनका बारूद खत्म हो गया तो दोनों ने दुश्मन पर अपनी टुकड़ी से हमला किया, लेकिन मशीन गन की आग में गिर गए। लेफ्टिनेंट राठौर के बाह हाथ पर चोट लगने पर दुश्मन ने अपनी मारक क्षमता को तमचे मीटर प्रति पोजीशन और रॉय गोप पर केंद्रित किया था, जहां टेन जैसे राइफल द्वारा अभी भी राइफल वेल्स का संचालन किया जा रहा था। भले ही जेबियों को राइफल्स को बड़ी खनी हुई है था, लेकिन उन्होंने अपनी पोस्ट को दुश्मन के हाथों में नहीं पड़ने दिया। उन्हें पास के फाइंड 1.518A1 के मीडियन मशीन गन फायर द्वारा समर्थित किया गया था। उसके अलावा चोला आय उसके दक्षिण पश्चिमी टविन हिटर्स में पोस्ट भी हमले के अधीन थे। फिल्म में अर्जुन रामपाल, जैकी श्रॉफ, सोनू सूद, हर्षवर्धन राणे, ईर्षा गुप्ता, सोनल चौहान, मनिका गिल और दीपिका कक्कर जैसे सितारे हैं। LOC और बॉर्डर के विपरीत, जिसमें पाकिस्तान के साथ भारत की लड़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। पलटन के साथ JP दत्ता ने अपना ध्यान पूर्व की और लगाया। बॉर्डर 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान लंबे वाला की लड़ाई एक काल्पनिक विवरण था, जबकि LOC ऑपरेशन विजय और 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान
टोलोलिंग की लड़ाई से प्रेरित था। जेपी दत्ता की अधिकांश फिल्म की तरह आप उच्च सेविपल की उम्मीद कर सकते हैं। पलटन में भी देशभक्ति, लेकिन वह वॉल्यूम को हटा दे और आपके पास वास्तव में असंभव बाधाओं के सामने वीरता की कहानी है। जो 1967 के पतन में सिक्किम में वास्तव में क्या हुआ था। जेपी दत्ता की पलटन के प्रेरित करने वाला नाथुला और ची चोला संघर्ष। तो 1967 के पतन में सिक्किम में वास्तव में क्या हुआ था, जेपी दत्ता की पलटन को प्रेरित करने वाले नाथुला और चीला संघर्ष क्या था, जिसके जैसे कि ये निकला, ये सब एक थी बिल्डर से शुरू हुआ। 1962 के युद्ध के बाद से भारत और चीन के बीच बढ़ गया, जबकि 1965 में भारत की पश्चिमी सीमा पर एक नया युद्ध आ गया था। बैंकिंग अब बेजिंग तिब्बत सिक्किम सीमा पर रणनीतिक रूप में महत्वपूर्ण नाथुला को खाली करने के लिए नई दिल्ली को मजबूर किया कर रहा था। ये तथ्य कि सिक्किम भारत के संरक्षण के में था चीनियों को परेशान करता था। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा चीनी भाई मोकमोहन रेखा को कभी स्वीकार नहीं किया और इसलिए सिक्किम को दक्षिणी तिब्बत और इस तरह चीन के विस्तार के रूप में देखा। हालांकि 17 माउंटेन डिजाइन के जीओसी जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल सागर सिंह और अक्सर भारतीय सेना से सबसे अच्छे फील्ड लीडर्स में से एक माने जाते हैं ने नाथुल लाज को छोड़ने से इनकार कर दिया। इसने ये भी मदद की कि उन्हें तत्कालीन पूर्व सेना कमांडर्स में सेम मानेकशॉ और कोर कमांडर जगजीत सिंह करोड़ा का समर्थन प्राप्त था। सितंबर 1967 के राजनीतिक खतरों और सीमा पर अकसावे के कारण भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच अपना सामना हुआ। 11 सितंबर को सुबह 5:30 के बजे से तो चीनी लोपखाने मीटर्स और रिकॉल से गोलियों की अचानक गोलाबारिश ने 70 फील्ड रेजिमेंट के सैनिक और 18 राजपूतों को मारा, जब वे नाथुला से सेबी इला तक की सीमा का सीमांकन करते हुए एक बायर लगाने के अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। एक किलोमीटर दूर ऊंची जमीन पर स्थित एक अवलोकन पोस्ट और चीनी पक्ष का एक दृश्य प्रस्तुत किया। दो ग्रेनेडियर्स की सीओ लेफ्टिनेंट कर्नल रॉय सिंह और उनके पलटन ने, जबकि कार्रवाई की लेफ्टिनेंट कर्नल राय के अन्य सैनिकों को पीछे हटने के लिए कवर फायर प्रदान करने के लिए स्वयं लाइव मशीन गन का संचालन किया। इस प्रक्रिया में एक गोली उसके पेट में लगी और दूसरी गोली रिकोपेट करके उसे खाली करते समय सी के पीछे लगी। अपने सीओ के अस्वस्थ होने पर दो अधिकारियों, दो ग्रेनेडियर्स के कैप्टन डायर और 18 राजपूत के मेजर हरभजन सिंह ने जवाबी कार्रवाई की कमान संभाली, जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल रॉय बच गए। अन्य दो अधिकारी उस दिन शहीद हो गए। तथ्य ये है कि चीनी ने कब्जा कर लिया था और उच्च जमीन से जटिल मामले से गोलीबारी कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय सैनिक खुले परिदृश्य में उजागर हो रहे थे। रक्षा रिकॉर्ड के अनुसार शुरुआती चीनी हमले के लगभग 70 भारतीय कर्मियों की जान चली गई थी। भारतीय प्रतिज्ञा ने चीनियों को सचेत कर दिया। लोपरवाह ने दुश्मनों की चौकियों पर सटीकता से प्रहार किया, जिसमें गंभीर व्यक्ति और भौतिक शक्ति हुई। अगले दिनों में चीनी टोल 300 के अधिक हो गए। दुश्मन ने युद्ध विराम का आज्ञा किया और श्रद्धा में भारत सहमत हो गया, लेकिन चीनियों के पास अन्य डिजाइन थे। अभी भी अपने गोवा को चाटते हुए धाबों को चाटते हुए चीनी ने एक फखरावे के भीतर एक और दुस्साहस का सराहा लिया। लाथू
नाथुला के उत्तर के कुछ मील किलोमीटर की दूरी पर स्थित चोला में स्वाइट 15450 सेकंड दौरे के ठीक बीच में 30 मीटर ऊंचा एक डिवाइन खिलाखंड था। 7.11 गोरखा रेजिमेंट ने को कंपनियों के 4 पल्टन, 1 सेकंड पल्टन ए एस सेमुअल के नेतृत्व में और दूसरा लेफ्टिनेंट आर एस राठौर के नेतृत्व में ने 0.1540 को अपने आसपास पौधों पर कब्जा कर लिया। और 1 अक्टूबर को सुबह लगभग 9:15 चीनों सैनिकों के वल्डर से स्वामित्व को लेकर फायरल्ड प्लाटून कमांडर नायब सूबेदार ज्ञान जब बहादुर लिम्बो के साथ एक विवाद में प्रकाश किया। विभिन्न सेना खातों में कहा गया है कि नायब सूबेदार लिम्बू अपने एक पैर को बोल्डर के खिलाफ टिका कर रखा था। यहाँ तक कि वो घटनाएं तेजी से सामने आ रही थी। 7/11 GR बटालियन के CO मेजर KB जोशी जो 0.15450 के पूर्व में राय गांव में थे, जिसके लिए वो रास्ते में थे, उन्होंने देखा कि चीनी सैनिकों ने सितरों की चौकी को घेर लिया था जहां गायब सूबेदार लिम्बू चौक रहे थे। प्रतिद्वंदी कंपनी कमांडर और राजनीतिक कमांडर के खिलाफ मेजर जोशी तुरंत लेफ्टिनेंट राठौर के पास पहुंचे और उन्हें बताया कि उन्होंने क्या देखा, लेकिन फिर भी चीनियों ने तब तक मामले को सशस्त्र टकराव तक बढ़ा दिया था। एक चीनी सैनिक ने नायब सूबेदार लिम्बू के बाह पर संगीत लगाया। प्रतिक्रिया तेज थी, सुकुरी कभी असफल नहीं हुई। दोनों पक्ष करीब से फायरिंग में लगी हुई थे। लांस कमांडर नायक कृष्णा बहादुर ने प्रहारी का नेतृत्व दिया। उसके पीछे नायक सूबेदार लिम्बू थे, जिन्होंने निकट युद्ध में दुश्मन में मुकाबला किया। एक बार जब उनका बारूद खत्म हो गया तो दोनों ने दुश्मन पर अपनी टुकड़ी से हमला किया, लेकिन मशीन गन की आग में गिर गए। लेफ्टिनेंट राठौर के बाहर हाथ पर चोट लगने पर दुश्मन ने अपनी मारक क्षमता को तमचे मीटर प्रति पोजीशन और रॉय गोप पर केंद्रित किया था, जहां टेन जैसे राइफल द्वारा अभी भी राइफल वेल्स का संचालन किया जा रहा था। भले ही जेबे को राइफल्स को बड़ी खनी हुई है, लेकिन उन्होंने अपनी पोस्ट को दुश्मन के हाथों में नहीं पड़ने दिया। उन्हें पास के फाइंड 1.1 के मीडियन मशीन गन फायर द्वारा समर्थित किया गया था। उसके अलावा चोला आय उसके दक्षिण पश्चिम में टबिन हिटर्स में पोस्ट भी हमले के अधीन थे। फिल्म में अर्जुन रामपाल, जैकी श्रॉफ, सोनू सूद, हर्षवर्धन राणे, ईर्षा गुप्ता, सोनल चौहान, मनिका गिल और दीपिका कक्कड़ जैसे सितारे हैं। LOC और बॉर्डर के वितरित जिसमें पाकिस्तान के साथ भारत की लड़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। पल्टन के साथ JP दत्ता ने अपना ध्यान पूर्व की और लगाया। बॉर्डर 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान लंबे वाला की लड़ाई के एक काल्पनिक विवरण था, जबकि LOC ऑपरेशन विजय और 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान टोलोलिंग की लड़ाई से प्रेरित था। JP दत्ता की अधिकांश फिल्म की तरह आप उच्च सेविपल की उम्मीद कर सकते हैं। पल्टन में भी देशभक्ति, लेकिन वॉल्यूम को हटा दे और आपके पास वास्तव में असंभव बाधाओं के सामने वीरता की कहानी है। जो 1967 के पतन में सिक्किम में वास्तव में क्या हुआ था। JP दत्ता की पल्टन के प्रेरित करने वाला नाथुला और चोला संघर्ष। तो 1967 के पतन में सिक्किम में वास्तव में क्या हुआ था, JP दत्ता की पल्टन को प्रेरित करने वाले नाथुला और चीला संघर्ष क्या था, जिसके जैसे कि ये निकला, ये सब एक थी बिल्डर से शुरू हुआ। 1962 के युद्ध के बाद से भारत और चीन के बीच
बढ़ गया। जबकि 1965 में भारत की पश्चिमी सीमा पर एक नया युद्ध आ गया था। बैंकिंग अब बेजिंग तिब्बत सिक्किम सीमा पर रणनीतिक रूप में महत्वपूर्ण नाथुला को खाली करने के लिए नई दिल्ली को मजबूर किया कर रहा था। ये तथ्य कि सिक्किम भारत के संरक्षण के में था चीनियों को परेशान करता था। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा चीनी भाई मकमोहन रेखा को कभी स्वीकार नहीं किया और इसलिए सिक्किम को दक्षिणी तिब्बत और इस तरह चीन के विस्तार के रूप में देखा। हालांकि 17 माउंटेन डिजाइन के जीओसी जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल सागर सिंह और अक्सर भारतीय सेना से सबसे अच्छे फील्ड लीडर्स में से एक माने जाते हैं ने नाथुल लाज को छोड़ने से इनकार कर दिया। इसने ये भी मदद की कि उन्हें तत्कालीन पूर्व सेना कमांडर में सेम मनेक्शा और कोर कमांडर जगजीत सिंह करोड़ा का समर्थन प्राप्त था। दिसंबर 1967 के राजनीतिक खतरों और सीमा पर अकसावे के कारण भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच अपना सामना हुआ। 11 सितंबर को सुबह 5:30 के बजे सीटों चीनी लोपखाने मीटर्स और रिकॉल से गोलियों की अचानक गोलाबारिश ने 70 फील्ड रेजिमेंट के सैनिक और 18 राजपूतों को मारा जब वे नाथुला से सेबी इला तक की सीमा का सीमांकन करते हुए एक बायट और वार लगाने के अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। एक किलोमीटर दूर ऊंची जमीन पर स्थित एक अवलोकन पोस्ट और चीनी पक्ष का एक दृश्य प्रस्तुत किया। दो ग्रेनेडियर्स की सीओ लेफ्टिनेंट कर्नल रॉय सिंह और उनकी पलटन ने जबकि कार्रवाई की लेफ्टिनेंट कर्नल राय के अन्य सैनिकों को पीछे हटने के लिए कवर फायर प्रदान करने के लिए स्वयं लाइव मशीन गन का संचालन किया। इस प्रक्रिया में एक गोली उसके पेट में लगी और दूसरी गोली रिकोपेट करके उसे खाली करते समय सी के पीछे लगी। अपने सीओ के अस्वस्थ होने पर दो ग्रेनेडियर्स के कैप्टन डायर और 18 राजपूत के मेजर हरभजन सिंह ने जवाबी कार्रवाई की कमान संभाली जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल रॉय बच गए। अन्य दो अधिकारी उस दिन शहीद हो गए। तथ्य ये है कि चीनी ने कब्जा कर लिया था और उच्च जमीन से जटिल मामले से गोलीबारी कर रहे हैं क्योंकि भारतीय सैनिक खुले पृथ्वी परिदृश्य में उजागर हो रहे थे। रक्षा रिकॉर्ड के अनुसार शुरुआती चीनी हमले के लगभग 70 भारतीय कर्मियों की जान चली गई थी। भारतीय प्रतिक्रिया ने चीनियों को सचेत कर दिया। लोप्रभाव ने दुश्मनों की चौकियों पर सटीकता से प्रहार किया जिसमें गंभीर व्यक्ति और भौतिक शक्ति हुई। अगले दिनों में चीनी टोल 300 के अधिक हो गए। दुश्मन ने विराम का आज्ञा किया और श्रद्धा में भारत सहमत हो गया लेकिन चीनियों के पास अन्य डिजाइन थे। अभी भी अपने गोवा को चाटते हुए धावों को चाटते हुए चीनी ने एक पखरावे के भीतर एक और दुस्साहस का सहारा लिया। नाथुला के उत्तर के कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थिर चोला में स्वाइट 15450 सेकंड दौरे के ठीक बीच में 30 मीटर ऊंचा एक डिवाइन खिलाखंड था। 7/11 गोरखा रेजिमेंट ने को कंपनी के 4 पल्टन 1 सेकंड पल्टन एएस सेमुअल के नेतृत्व में और दूसरा लेफ्टिनेंट आरएस राठौर के नेतृत्व में ने 1540 को अपने आसपास पौधों पर कब्जा कर लिया। अब 1 अक्टूबर को सुबह लगभग 9:15 चीनों सैनिकों के बल्डर से स्वामित्व को लेकर फायरल प्लाटून कमांडर नायब सुबेदार ज्ञान जब बहादुर लिम्बो के साथ एक विवाद में प्रकाश किया। विभिन्न सैन्य खातों में कहा गया है कि नायब सुबेदार लिम्बू अपने एक पैर को बोल्डर के खिलाफ टका टका टिका कर रखा था।
यहाँ तक कि वो घटनाएं तेजी से सामने आ रही थी। 7/11 GR बटालियन के SCO मेजर KB जोशी जो पॉइंट 15450 के पूर्व में रायगो में थे, जिसके लिए वो रास्ते में थे, उन्होंने देखा कि चीनी सैनिकों ने सितरों की चौकी को घेर लिया था जहां गायब सूबेदार लिंबू चौक रहे थे। प्रतिद्वंदी कंपनी कमांडर और राजनीतिक कमांडर के खिलाफ मेजर जोशी तुरंत लेफ्टिनेंट राठौर के पास पहुंचे और उन्हें बताया कि उन्होंने क्या देखा, लेकिन फिर भी चीनियों ने तब तक मामले को सशस्त्र टकराव तक बढ़ा दिया था। एक चीनी सैनिक ने नायब सूबेदार लिंबू के बाह पर संगीत लगाया। प्रतिक्रिया तेज थी, सुकुरी कभी असफल नहीं हुई। दोनों पक्ष करीब से फायरिंग में लगी हुई थे। लांस कमांडर नायक कृष्णा बहादुर ने प्रहारी का नेतृत्व दिया। उसके पीछे नायक सूबेदार लिंबू थे, जिन्होंने निकट युद्ध में दुश्मन में मुकाबला किया। एक बार जब उनका बारूद खत्म हो गया तो दोनों ने दुश्मन पर अपनी टुकड़ी से हमला किया, लेकिन मशीन गन की आग में गिर गए। लेफ्टिनेंट राठौर के बाह हाथ पर चोट लगने पे दुश्मन ने अपनी मारक क्षमता को तमचे मीटर प्रति पोजीशन और रॉय गो पर केंद्रित किया था, जहां टेन जैसे राइफल द्वारा अभी भी राइफल वेल्स का संचालन किया जा रहा था। भले ही जेबियो को राइफल्स को बड़ी खनी हुई है, लेकिन उन्होंने अपनी पोस्ट को दुश्मन के हाथों में नहीं पड़ने दिया। उन्हें पास के फाइंड 1.518A1 के मीडियन मशीन गन फायर द्वारा समर्थित किया गया था। उसके अलावा चोला आय उसके दक्षिण पश्चिम टबिन हिटर्स में पोस्ट भी हमले के अधीन थे। फिल्म में अर्जुन रामपाल, जैकी श्रॉफ, सोनू सूद, हर्षवर्धन राणे, ईर्षा गुप्ता, सोनल चौहान, मनिका गिल और दीपिका कक्कर जैसे सितारे हैं। LOC और बॉर्डर के वितरित, जिसमें पाकिस्तान के साथ भारत की लड़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। पलटन के साथ JP दत्ता ने अपना ध्यान पूर्व की और लगाया। बॉर्डर 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान लंबे वाला की लड़ाई एक काल्पनिक विवरण था, जबकि LOC ऑपरेशन विजय और 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान टोलोलिंग की लड़ाई से प्रेरित था। JP दत्ता की अधिकांश फिल्म की तरह आप उच्च सेविपल की उम्मीद कर सकते हैं। पलटन में भी देशभक्ति, लेकिन वॉल्यूम को हटा दें और आपके पास वास्तव में असंभव बाधाओं के सामने वीरता की कहानी है। तो 1967 के पतन में सिक्किम में वास्तव में क्या हुआ था, JP दत्ता की पलटन के प्रेरित करने वाला नाथुला और चोला संघर्ष। तो 1967 के पतन में सिक्किम में वास्तव में क्या हुआ था, JP दत्ता की पलटन को प्रेरित करने वाले नाथुला और चीला संघर्ष क्या था, इसके जैसे कि ये निकला, ये सब एक थी बिल्डर से शुरू हुआ। 1962 के युद्ध के बाद से भारत और चीन के बीच बढ़ गया, जबकि 1965 में भारत की पश्चिमी सीमा पर एक नया युद्ध आ गया था। बैंकिंग अब बेजिंग तिब्बत सिक्किम सीमा पर रणनीतिक रूप में महत्वपूर्ण नाथुला को खाली करने के लिए नई दिल्ली को मजबूर किया कर रहा था। ये तथ्य कि सिक्किम भारत के संरक्षण के में था चीनियों को परेशान करता था। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा चीनी भाई मोकमोहन रेखा को कभी स्वीकार नहीं किया और इसलिए सिक्किम को दक्षिण तिब्बत और इस तरह चीन के विस्तार के रूप में देखा। हालांकि 17 माउंटेन डिजाइन के GOC जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल सागर
सिंह और अक्सर भारतीय सेना से सबसे अच्छे फील्ड लीडर्स में से एक माने जाते हैं। ने नाथुल लाश को छोड़ने से इनकार कर दिया। इसने ये भी मदद की कि उन्हें तत्कालीन पूर्व सेना कमांडर्स में सेम मानेकशॉ और कोर कमांडर जगजीत सिंह करोड़ा का समर्थन प्राप्त था। सितंबर 1967 के राजनीतिक खतरों और सीमा पर अकसावे के कारण भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच अपना सामना हुआ। 11 सितंबर को सुबह 5:30 के बजे से तो चीनी लोफखाने मीटर्स और रिकॉल से गोलियों की अचानक गोलाबारी ने 70 फील्ड रेजिमेंट के सैनिक और 18 राजपूतों को मारा, जब वे नाथुला से सेबी इलाक की सीमा का सीमांकन करते हुए एक बायर लगाने के अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। एक किलोमीटर दूर ऊंची जमीन पर स्थित एक अवलोकन पोस्ट और चीनी पक्ष का एक दृश्य प्रस्तुत किया। दो ग्रेनेडियर्स की सीओ लेफ्टिनेंट कर्नल रॉय सिंह और उनकी पलटन ने, जबकि कार्रवाई की लेफ्टिनेंट कर्नल राय के अन्य सैनिकों को पीछे हटने के लिए कवर फायर प्रदान करने के लिए स्वयं लाइफ मशीन गन का संचालन किया। इस प्रक्रिया में एक गोली उसके पेट में लगी और दूसरी गोली रिकोपेट करके उसे खाली करते समय सी के पीछे लगी। अपने सीओ के अस्वस्थ होने पर दो अधिकारियों, दो ग्रेनेडियर्स के कैप्टन डायर और 18 राजपूत के मेजर हरभजन सिंह ने जवाबी कार्रवाई की कमान संभाली, जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल रॉय बच गए। अन्य दो अधिकारी उस दिन शहीद हो गए। तथ्य ये है कि चीनी ने कब्जा कर लिया था और उच्च जमीन से जटिल मामले से गोलीबारी कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय सैनिक खुले पृथ्वी परिदृश्य में उजागर हो रहे थे। रक्षा रिकॉर्ड के अनुसार शुरुआती चीनी हमले के लगभग 70 भारतीय कर्मियों की जान चली गई थी। भारतीय प्रतिज्ञा ने चीनियों को सचेत कर दिया। लोप्रभाव ने दुश्मनों की चौकियों पर सटीकता से प्रहार किया, जिसमें गंभीर व्यक्ति और भौतिक शक्ति हुई। अगले दिनों में चीनी टोल 300 के अधिक हो गए। दुश्मन ने विराम का आज्ञात किया और श्रद्धा में भारत सहमत हो गया, लेकिन चीनियों के पास अन्य डिजाइन थे। अभी भी अपने गोवा को चाटते हुए धावों को चाटते हुए चीनी ने एक फकरावे के भीतर एक और दुस्साहस का सहारा लिया। नाथुला के उत्तर के कुछ मील किलोमीटर की दूरी पर स्थिर चोला में स्वाइट 15450 सेकेंड दौरे के ठीक बीच में 30 मीटर ऊंचा एक डिवाइन खिलाखंड था। 7.11 गोरखा रेजिमेंट ने को कंपनी के 4 पल्टन, 1 सेकंड पल्टन ए एस सेमुअल के नेतृत्व में और दूसरा लेफ्टिनेंट आर एस राठौर के नेतृत्व में ने 0.1540 को अपने आसपास पौधों पर कब्जा कर लिया। अब 1 अक्टूबर को सुबह लगभग 9:15 बजे चीनो सैनिकों के वल्डर से सामित्व को लेकर फायरल्ड प्लाटून कमांडर नायब सूबेदार ज्ञान जब बहादुर लिंबो के साथ एक विवाद में प्रकाश किया। विभिन्न सैन्य खातों में कहा गया है कि नायब सूबेदार लिंबू अपने एक पैर को बोल्डर के खिलाफ टिका कर रखा था। यहाँ तक कि वो घटनाएं तेजी से सामने आ रही थी। 7/11 GR बटालियन के सीओ मेजर KB जोशी जो 0.15450 के पूर्व में राय गांव में थे, जिसके लिए वो रास्ते में थे, उन्होंने देखा कि चीनी सैनिकों ने सितरों की चौकी को घेर लिया था, जहां गायब सूबेदार लिंबू चौक रहे थे। प्रतिद्वंदी कंपनी कमांडर और राजनीतिक कमांडर के खिलाफ मेजर जोशी तुरंत लेफ्टिनेंट राठौर के पास पहुंचे और उन्हें बताया कि उन्होंने क्या देखा, लेकिन
फिर भी चीनियों ने तब तक मामले को सशस्त्र टकराव तक बढ़ा दिया था। एक चीनी सैनिक ने नायब सूबेदार लिंबू के बाह पर संगी लगाया। प्रतिक्रिया तेज थी, सुकुरी कभी असफल नहीं हुई। दोनों पक्ष करीब से फायरिंग में लगे हुए थे। लांस कमांडर नायक कृष्णा बहादुर ने प्रहारी का नेतृत्व दिया। उसके पीछे नायब सूबेदार लिंबू थे, जिन्होंने निकट युद्ध में दुश्मन में मुकाबला किया। एक बार जब उनका बारूद खत्म हो गया तो दोनों ने दुश्मन पर अपनी टुकड़ी से हमला किया, लेकिन मशीन गन की आग में गिर गए। लेफ्टिनेंट राठौर के बाह हाथ पर चोट लगने पर दुश्मन ने अपनी मारक क्षमता को तमचे मीटर प्रति पोजीशन और रॉय गोप पर केंद्रित किया था, जहां टेन जैसे राइफल द्वारा अभी भी राइफल वेल्स का संचालन किया जा रहा था। भले ही जेबे को राइफल्स को बड़ी खनी हुई है, लेकिन उन्होंने अपनी पोस्ट को दुश्मन के हाथों में नहीं पड़ने दिया। उन्हें पास के फाइंड 1.518A1 के मीडियन मशीन गन फायर द्वारा समर्थित किया गया था। उसके अलावा चोला आय उसके दक्षिण पश्चिमी टबिन हिटर्स में पोस्ट भी हमले के अधीन थे। फिल्म में अर्जुन रामपाल, जैकी श्रॉफ, सोनू सूद, हर्षवर्धन राणे, ईर्षा गुप्ता, सोनल चौहान, मनिका गिल और दीपिका कक्कड़ जैसे सितारे हैं। LOC और बॉर्डर के विपरीत, जिसमें पाकिस्तान के साथ भारत की लड़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। पलटन के साथ JP दत्ता ने अपना ध्यान पूर्व की और लगाया। बॉर्डर 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान लंबे वाला की लड़ाई के एक काल्पनिक विवरण था, जबकि LOC ऑपरेशन विजय और 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान टोलोलिंग की लड़ाई से प्रेरित था। JP दत्ता की अधिकांश फिल्म की तरह आप उच्च सेविपल की उम्मीद पर सकते हैं। पलटन में भी देशभक्ति, लेकिन वॉल्यूम को हटा दें और आपके पास वास्तव में असंभव बाधाओं के सामने वीरता की कहानी है। तो 1967 के पतन में सिक्किम में वास्तव में क्या हुआ था, JP दत्ता की पलटन के प्रेरित करने वाला नाथुला और चोला संघर्ष। तो 1967 के पतन में सिक्किम में वास्तव में क्या हुआ था, JP दत्ता की पलटन को प्रेरित करने वाले नाथुला और चीला संघर्ष क्या था, इसके जैसे कि ये निकला, ये सब एक थी बिल्डर से शुरू हुआ। 1962 के युद्ध के बाद से भारत और चीन के बीच बढ़ गया, जबकि 1965 में भारत की पश्चिमी सीमा पर एक नया युद्ध आ गया था। बैंकिंग अब बेजिंग तिब्बत सिक्किम सीमा पर रणनीतिक रूप में महत्वपूर्ण नाथुला को खाली करने के लिए नई दिल्ली को मजबूर किया कर रहा था। ये तथ्य कि सिक्किम भारत के संरक्षण के में था, चीनियों को परेशान करता था। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा चीनी भाई मोकमोहन रेखा को कभी स्वीकार नहीं किया, और इसलिए सिक्किम को दक्षिणी तिब्बत और इस तरह चीन के विस्तार के रूप में देखा। हालांकि 17 माउंटेन डिजाइन के GOC जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल सागर सिंह और अक्सर भारतीय सेना से सबसे अच्छे फील्ड लीडर्स में से एक माने जाते हैं, ने नाथुल लाज को छोड़ने से इनकार कर दिया। इसने ये भी मदद की कि उन्हें तत्कालीन पूर्व सेना कमांडर में सेम मनेक्सा और कोर कमांडर जगजीत सिंह करोड़ा का समर्थन प्राप्त था। सितंबर 1967 के राजनीतिक खतरों और सीमा पर अकसावे के कारण भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच अपना सामना हुआ। 11 सितंबर को सुबह 5:30 के बजे सीतों चीनी लोफखाने मीटर्स और रिकॉल से गोलियों की अचानक गोलाबारिश ने 70 फील्ड रेजिमेंट के सैनिक और 18 राजपूतों को मारा, जब वे नाथुला से सेबी इलाके तक की सीमा का सीमांकन करते हुए एक बायो
वायर्ड वार लगाने के अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। एक किलोमीटर दूर ऊंची जमीन पर स्थित एक अवलोकन पोस्ट और चीनी पक्ष का एक दृश्य प्रस्तुत किया। दो ग्रेनेडियर्स के सीओ लेफ्टिनेंट कर्नल रॉय सिंह और उनके पलटन ने, जबकि कार्रवाई की लेफ्टिनेंट कर्नल राय के अन्य सैनिकों को पीछे हटने के लिए कवर फायर प्रदान करने के लिए सैंग लाइव मशीन गन का संचालन किया। इस प्रक्रिया में एक गोली उसके पेट में लगी और दूसरी गोली रिकोपेट करके उसे खाली करते समय सी के पीछे लगी। अपने सीओ के अस्वस्थ होने पर दो अधिकारियों, दो ग्रेनेडियर्स के कैप्टन डायर और 18 राजपूत के मेजर हरभजन सिंह ने जवाबी कार्रवाई की कमान संभाली, जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल रॉय बच गए। अन्य दो अधिकारी उस दिन शहीद हो गए। तथ्य ये है कि चीनी ने कब्जा कर लिया था और उच्च जमीन से जटिल मामले से गोलीबारी कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय सैनिक खुले पृथ्वी परिदृश्य में उजागर हो रहे थे। रक्षा रिकॉर्ड के अनुसार शुरुआती चीनी हमले के लगभग 70 भारतीय कर्मियों की जान चली गई थी। भारतीय प्रतिज्ञा ने चीनियों को सचेत कर दिया। लोपरवाह ने दुश्मनों की चौकियों पर सटीकता से प्रहार किया, जिसमें गंभीर व्यक्ति और भौतिक शक्ति हुई। अगले दिनों में चीनी टोल 300 के अधिक हो गए। दुश्मन ने विराम का आज्ञात किया और श्रद्धा में भारत सहमत हो गया, लेकिन चीनियों के पास अन्य डिजाइन थे। अभी भी अपने गोवा को चाटते हुए धावों को चाटते हुए चीनी ने एक फखरावे के भीतर एक और दुस्साहस का सहारा लिया। नाथुला के उत्तर के कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित चोला में 15450 सेकंड दौरे के ठीक बीच में 30 मीटर ऊंचा एक डिवाइन खिलाखंड था। 7.11 गोरखा रेजिमेंट ने तो कंपनियों के 4 पलटन, 1 सेकंड पलटन एएस सैमुअल के नेतृत्व में और दूसरा लेफ्टिनेंट आरएस राठौर के नेतृत्व में ने 0.1540 को अपने आसपास पौधों पर कब्जा कर लिया। अब 1 अक्टूबर को सुबह लगभग 9:15 बजे चीनों सैनिकों के बल्डर से स्वामित्व को लेकर फायरल प्लाटून कमांडर नायब सूबेदार ज्ञान जब बहादुर लिंबो के साथ एक विवाद में प्रकाश किया। विभिन्न सैन्य खातों में कहा गया है कि नायब सूबेदार लिंबू अपने एक पैर को बोल्डर के खिलाफ टिका कर रखा था। यहां तक कि वो घटनाएं तेजी से सामने आ रही थी। 7/11 GR बटालियन के सीओ मेजर KB जोशी जो 0.15450 के पूर्व में राय गांव में थे, जिसके लिए वो रास्ते में थे, उन्होंने देखा कि चीनी सैनिकों ने सितरों की चौकी को घेर लिया था, जहां गायब सूबेदार लिंबू चौक रहे थे। प्रतिद्वंदी कंपनी कमांडर और राजनीतिक कमांडर के खिलाफ मेजर जोशी तुरंत लेफ्टिनेंट राठौर के पास पहुंचे और उन्हें बताया कि उन्होंने क्या देखा, लेकिन फिर भी चीनियों ने तब तक मामले को सशस्त्र टकराव तक बढ़ा दिया था। एक चीनी सैनिक ने नायब सूबेदार लिंबू के बाह पर संगी लगाया। प्रतिक्रिया तेज थी, सुकुरी कभी असफल नहीं हुई। दोनों पक्ष करीब से फायरिंग में लगी हुई थे। लांस कमांडर नायक कृष्णा बहादुर ने फहावरी का नेतृत्व दिया। उसके पीछे नायब सूबेदार लिंबू थे, जिन्होंने निकट युद्ध में दुश्मन में मुकाबला किया। एक बार जब उनका बारूद खत्म हो गया तो दोनों ने दुश्मन पर अपने टुकड़ी से हमला किया, लेकिन मशीन गन की आग में गिर गए। लेफ्टिनेंट राठौर के बाह हाथ पर चोट लगने पर दुश्मन ने अपनी मारक क्षमता को
तमजे मीटर प्रति पोजीशन और रॉय गो पर केंद्रित किया था, जहां टेन जैसे राइफल द्वारा अभी भी राइफल वेयर्स का संचालन किया जा रहा था। भले ही जेबे को राइफल्स का बड़ी खनी हुई था, लेकिन उन्होंने अपनी पोस्ट को दुश्मन के हाथों में नहीं पड़ने दिया। उन्हें पास के फाइंड 1.518A1 के मीडियन मशीन गन फायर द्वारा समर्थित किया गया था। उसके अलावा चोला आय उसके दक्षिण पश्चिमी टबिन हिटर्स में पोस्ट भी हमले के अधीन थे। फिल्म में अर्जुन रामपाल, जैकी श्रॉफ, सोनू सूद, हर्षवर्धन राणे, ईर्षा गुप्ता, सोनल चौहान, मनिका गिल और दीपिका कक्कड़ जैसे सितारे हैं। LOC और बॉर्डर के वितरित जिसमें पाकिस्तान के साथ भारत की लड़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। पल्टन के साथ JP दत्ता ने अपना ध्यान पूर्व की और लगाया। बॉर्डर 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान लंबे वाला की लड़ाई एक काल्पनिक विवरण था, जबकि LOC ऑपरेशन विजय और 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान टोलोलिंग की लड़ाई से प्रेरित था। JP दत्ता की अधिकांश फिल्म की तरह आप उच्च सेविपल की उम्मीद कर सकते हैं। पल्टन में भी देशभक्ति, लेकिन वॉल्यूम को हटा दे और आपके पास वास्तव में असंभव बाधाओं के सामने वीरता की कहानी है। तो 1967 के पतन में सिक्किम में वास्तव में क्या हुआ था, JP दत्ता की पलटन के प्रेरित करने वाला नाथुला और चोला संघर्ष। तो 1967 के पतन में सिक्किम में वास्तव में क्या हुआ था, JP दत्ता की पलटन को प्रेरित करने वाले नाथुला और चीला संघर्ष क्या था, जिसके जैसे कि ये निकला, ये सब एक थी बिल्डर से शुरू हुआ। 1962 के युद्ध के बाद से भारत और चीन के बीच बढ़ गया, जबकि 1965 में भारत की पश्चिमी सीमा पर एक नया युद्ध आ गया था। बैंकिंग अब बेजिंग तिब्बत सिक्किम सीमा पर रणनीतिक रूप में महत्वपूर्ण नाथुला को खाली करने के लिए नई दिल्ली को मजबूर किया कर रहा था। ये तथ्य कि सिक्किम भारत के संरक्षण के में था, चीनियों को परेशान करता था। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा चीनी भाई मकमोहन रेखा को कभी स्वीकार नहीं किया, और इसलिए सिक्किम को दक्षिणी तिब्बत और इस तरह चीन के विस्तार के रूप में देखा। हालांकि 17 माउंटेन डिजाइन के GOC जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल सागर सिंह और अक्सर भारतीय सेना से सबसे अच्छे फील्ड लीडर्स में से एक माने जाते हैं, ने नाथुल लाज को छोड़ने से इनकार कर दिया। इसने ये भी मदद की कि उन्हें तत्कालीन पूर्व सेना कमांडर्स में सेम मानेकशॉ और कोर कमांडर जगजीत सिंह करोड़ा का समर्थन प्राप्त था। सितंबर 1967 के राजनीतिक खतरों और सीमा पर अकसावे के कारण भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच अपना सामना हुआ। 11 सितंबर को सुबह 5:30 के बजे से तो चीनी लोपखाने मीटर्स और रिकॉल से गोलियों की अचानक गोलाबारी ने 70 फील्ड रेजिमेंट के सैनिक और 18 राजपूतों को मारा, जब वे नाथुला से सेबी इला तक की सीमा का सीमांकन करते हुए एक बायट वार लगाने के अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। एक किलोमीटर दूर ऊंची जमीन पर स्थित एक अवलोकन पोस्ट और चीनी पक्ष का एक दृश्य प्रस्तुत किया। दो ग्रेनेडियर्स की CO लेफ्टिनेंट कर्नल रॉय सिंह और उनकी पलटन ने, जबकि कार्रवाई की लेफ्टिनेंट कर्नल राय के अन्य सैनिकों को पीछे हटने के लिए कवर फायर प्रदान करने के लिए स्वयं लाइव मशीन गन का संचालन किया। इस प्रक्रिया में एक गोली उसके पेट में लगी और दूसरी गोली रिकोपेट करके उसे खाली करते समय सी के पीछे लगी। अपने CO के अस्वस्थ होने पर दो अधिकारियों, दो ग्रेनेडियर्स के कैप्टन डायर और 18 राजपूत के मेजर हरभजन सिंह ने जवाबी कार्रवाई की कमान संभाली, जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल रॉय बच गए।
अन्य दो अधिकारी उस दिन शहीद हो गए। तथ्य ये है कि चीनी ने कब्जा कर लिया था और उच्च जमीन से जटिल मामले से गोलीबारी कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय सैनिक खुले पृथ्वी परिदृश्य में उजागर हो रहे थे। रक्षा रिकॉर्ड के अनुसार शुरुआती चीनी हमले के लगभग 70 भारतीय कर्मियों की जान चली गई थी। भारतीय प्रतिक्रिया ने चीनियों को सचेत कर दिया। लोपरवाहों ने दुश्मनों की चौकियों पर सटीकता से प्रहार किया, जिसमें गंभीर व्यक्ति और भौतिक शक्ति हुई। अगले दिनों में चीनी टोल 300 के अधिक हो गए। दुश्मन ने विराम का आज्ञा किया और श्रद्धा में भारत सहमत हो गया, लेकिन चीनियों के पास अन्य डिजाइन थे। अभी भी अपने गोवा को चाटते हुए घावों को चाटते हुए चीनी ने एक फखरावे के भीतर एक और दुस्साहस का सराहा लिया। नाथुला के उत्तर के कुछ मील किलोमीटर की दूरी पर स्थिर चोला में स्वाइट 15450 सेकंड दौरे के ठीक बीच में 30 मीटर ऊंचा एक डिवाइन खिलाखंड था। 7.11 गोरखा रेजिमेंट ने को कंपनी के 4 पल्टन, 1 सेकंड पल्टन ए एस सेमुअल के नेतृत्व में और दूसरा लेफ्टिनेंट आर एस राठौर के नेतृत्व में ने 0.1540 को अपने आसपास पौधों पर कब्जा कर लिया। और 1 अक्टूबर को सुबह लगभग 9:15 बजे चीनों सैनिकों के बल्डर से स्वामित्व को लेकर फायरल्ड प्लाटून कमांडर नायब सूबेदार ज्ञान जब बहादुर लिम्बो के साथ एक विवाद में प्रकाश किया। विभिन्न सैन्य खातों में कहा गया है कि नायब सूबेदार लिम्बू अपने एक पैर को बोल्डर के खिलाफ टिका कर रखा था। यहाँ तक कि वो घटनाएं तेजी से सामने आ रही थी। 7/11 GR बटालियन के CO मेजर KB जोशी जो 0.15450 के पूर्व में राय गांव में थे, जिसके लिए वो रास्ते में थे, उन्होंने देखा कि चीनी सैनिकों ने सितरों की चौकी को घेर लिया था, जहां गायब सूबेदार लिम्बू चौक रहे थे। प्रतिद्वंदी कंपनी कमांडर और राजनीतिक कमांडर के खिलाफ मेजर जोशी तुरंत लेफ्टिनेंट राठौर के पास पहुंचे और उन्हें बताया कि उन्होंने क्या देखा, लेकिन फिर भी चीनियों ने तब तक मामले को सशस्त्र टकराव तक बढ़ा दिया था। एक चीनी सैनिक ने नायब सूबेदार लिम्बू के बाह पर संगीत लगाया। प्रतिक्रिया तेज थी, सुकुरी कभी असफल नहीं हुई। दोनों पक्ष करीब से फायरिंग में लगी हुई थे। लांस कमांडर नायक कृष्णा बहादुर ने प्रहारी का नेतृत्व दिया। उसके पीछे नायक सूबेदार लिम्बू थे, जिन्होंने निकट युद्ध में दुश्मन में मुकाबला किया। एक बार जब उनका बारूद खत्म हो गया तो दोनों ने दुश्मन पर अपनी टुकड़ी से हमला किया, लेकिन मशीन गन की आग में गिर गए। लेफ्टिनेंट राठौर के बाह हाथ पर चोट लगने पर दुश्मन ने अपनी मारक क्षमता को तमचे मीटर प्रति पोजीशन और रॉय गोप पर केंद्रित किया था, जहां टेन जैसे राइफल द्वारा अभी भी राइफल वेल्स का संचालन किया जा रहा था। भले ही जेबियों को राइफल्स का बड़ी खनी हुई था, लेकिन उन्होंने अपनी पोस्ट को दुश्मन के हाथों में नहीं पड़ने दिया। उन्हें पास के 0.1518A1 के मीडियन मशीन गन फायर द्वारा समर्थित किया गया था। उसके अलावा चोला आय उसके दक्षिण पश्चिमी टविन हिटर्स में पोस्ट भी हमले के अधीन थे। फिल्म में अर्जुन रामपाल, जैकी श्रॉफ, सोनू सूद, हर्षवर्धन राणे, ईर्षा गुप्ता, सोनल चौहान, मनिका गिल और दीपिका कक्कर जैसे सितारे हैं। LOC और बॉर्डर के विपरीत, जिसमें पाकिस्तान के साथ भारत की लड़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। पलटन के साथ JP दत्ता ने अपना ध्यान पूर्व की और लगाया। बॉर्डर 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान
लंबे वाला की लड़ाई एक काल्पनिक विवरण था, जबकि एलओसी ऑपरेशन विजय और 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान टोलोलिंग की लड़ाई से प्रेरित था। जेपी दत्ता की अधिकांश फिल्म की तरह आप उच्च सेविपल की उम्मीद कर सकते हैं। पलटन में भी देशभक्ति, लेकिन वह वॉल्यूम को हटा दे और आपके पास वास्तव में असंभव संभव बाधाओं के सामने वीरता की कहानी है। तो 1967 के पतन में सिक्किम में वास्तव में क्या हुआ था, जेपी दत्ता की पलटन के प्रेरित करने वाला नाथुला और ची चोला संघर्ष। तो 1967 के पतन में सिक्किम में वास्तव में क्या हुआ था, जेपी दत्ता की पलटन को प्रेरित करने वाले नाथुला और चीला संघर्ष क्या था, इसके जैसे कि ये निकला, ये सब एक थी बिल्डर से शुरू हुआ। 1962 के युद्ध के बाद से भारत और चीन के बीच बढ़ गया, जबकि 1965 में भारत की पश्चिमी सीमा पर एक नया युद्ध आ गया था। बैंकिंग अब बेजिंग तिब्बत सिक्किम सीमा पर रणनीतिक रूप में महत्वपूर्ण नाथुला को खाली करने के लिए नई दिल्ली को मजबूर किया कर रहा था। ये तथ्य कि सिक्किम भारत के संरक्षण के में था चीनियों को परेशान करता था। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा चीनी भाई मोकमोहन रेखा को कभी स्वीकार नहीं किया और इसलिए सिक्किम को दक्षिणी तिब्बत और इस तरह चीन के विस्तार के रूप में देखा। हालांकि 17 माउंटेन डिजाइन के जीओसी जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल सागर सिंह और अक्सर भारतीय सेना से सबसे अच्छे फील्ड लीडर्स में से एक माने जाते हैं ने नाथुल लाज को छोड़ने से इनकार कर दिया। इसने ये भी मदद की कि उन्हें तत्कालीन पूर्व सेना कमांडर्स में सेम मानेकशॉ और कोर कमांडर जगजीत सिंह करोड़ा का समर्थन प्राप्त था। सितंबर 1967 के राजनीतिक खतरों और सीमा पर अकसावे के कारण भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच अपना सामना हुआ। 11 सितंबर को सुबह 5:30 के बजे से तो चीनी लोपखाने मीटर्स और रिकॉल से गोलियों की अचानक गोलाबारी ने 70 फील्ड रेजिमेंट के सैनिक और 18 राजपूतों को मारा, जब वे नाथुला से सेबी इला तक की सीमा का सीमांकन करते हुए एक बायर लगाने के अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। एक किलोमीटर दूर ऊंची जमीन पर स्थित एक अवलोकन पोस्ट और चीनी पक्ष का एक दृश्य प्रस्तुत किया। दो ग्रेनेडियर्स के सीओ लेफ्टिनेंट कर्नल रॉय सिंह और उनके पलटन ने, जबकि कार्रवाई की लेफ्टिनेंट कर्नल राय के अन्य सैनिकों को पीछे हटने के लिए कवर फायर प्रदान करने के लिए स्वयं लाइव मशीन गन का संचालन किया। इस प्रक्रिया में एक गोली उसके पेट में लगी और दूसरी गोली रिकोपेट करके उसे खाली करते समय सी के पीछे लगी। अपने सीओ के अस्वस्थ होने पर दो अधिकारियों दो ग्रेनेडियर्स के कैप्टन डायर और 18 राजपूत के मेजर हरभजन सिंह ने जवाबी कार्रवाई की कमान संभाली, जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल रॉय बच गए। अन्य दो अधिकारी उस दिन शहीद हो गए। तथ्य ये है कि चीनी ने कब्जा कर लिया था और उच्च जमीन से जटिल मामले से गोलीबारी कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय सैनिक खुले पृथ्वी परिदृश्य में उजागर हो रहे थे। रक्षा रिकॉर्ड के अनुसार शुरुआती चीनी हमले के लगभग 70 भारतीय कर्मियों की जान चली गई थी। भारतीय प्रतिक्रिया ने चीनियों को सचेत कर दिया। लोपरवाह ने दुश्मनों की चौकियों पर सटीकता से प्रहार किया, जिसमें गंभीर व्यक्ति और भौतिक शक्ति हुई। अगले दिनों में चीनी टोल 300 के अधिक हो गए। दुश्मन ने विराम का आज्ञात किया और श्रद्धा में भारत सहमत हो गया, लेकिन चीनियों के पास अन्य डिजाइन थे। अभी भी अपने गोवा को चाटते हुए
धाबों को चाटती हुई चीनी ने एक फखरावे के भीतर एक और दुष्पहर का सहारा लिया। नाथुला के उत्तर के कुछ मील किलोमीटर की दूरी पर स्थित चोला में स्वाइट 15450 सेकंड दौरे के ठीक बीच में 30 मीटर ऊंचा एक डिवाइन खिलाखंड था। 7.11 गोरखा रेजिमेंट ने को कंपनियों के 4 पल्टन, 1 सेकंड पल्टन ए एस सेमुअल के नेतृत्व में और दूसरा लेफ्टिनेंट आर एस राठौर के नेतृत्व में ने 0.1540 को अपने आसपास पौधों पर कब्जा कर लिया। और 1 अक्टूबर को सुबह लगभग 9:15 चीनो सैनिकों के वल्डर से स्वामित्व को लेकर फायरल्ड प्लाटून कमांडर नायब सूबेदार ज्ञान जब बहादुर लिम्बो के साथ एक विवाद में प्रत्यक्ष किया। विभिन्न सैन्य खातों में कहा गया है कि नायब सूबेदार लिम्बू अपने एक पैर को बोल्डर के खिलाफ टिका कर रखा था। यहाँ तक कि वो घटनाएं तेजी से सामने आ रही थी। 7/11 GR बटालियन के CO मेजर KB जोशी जो 0.15450 के पूर्व में राय गांव में थे, जिसके लिए वो रास्ते में थे, उन्होंने देखा कि चीनी सैनिकों ने सितरों की चौकी को घेर लिया था जहां गायब सूबेदार लिम्बू चौक रहे थे। प्रतिद्वंदी कंपनी कमांडर और राजनीतिक कमांडर के खिलाफ मेजर जोशी तुरंत लेफ्टिनेंट राठौर के पास पहुंचे और उन्हें बताया कि उन्होंने क्या देखा, लेकिन फिर भी चीनियों ने तब तक मामले को सशस्त्र टकराव तक बढ़ा दिया था। एक चीनी सैनिक ने नायब सूबेदार लिम्बू के बाह पर संगी लगाया। प्रतिक्रिया तेज थी, सुकुरी कभी असफल नहीं हुई। दोनों पक्ष करीब से फायरिंग में लगी हुई थे। लांस कमांडर नायक कृष्णा बहादुर ने प्रहारी का नेतृत्व दिया। उसके पीछे नायक सूबेदार लिम्बू थे जिन्होंने निकट युद्ध में दुश्मन में मुकाबला किया। एक बार जब उनका बारूद खत्म हो गया तो दोनों ने दुश्मन पर अपनी टुकड़ी से हमला किया, लेकिन मशीन गन की आग में गिर गए। लेफ्टिनेंट राठौर के बाह हाथ पर चोट लगने पर दुश्मन ने अपनी मारक क्षमता को तमचे मीटर प्रति पोजीशन और रॉय गोप पर केंद्रित किया था, जहां टेन जैसे राइफल द्वारा अभी भी राइफल वेल्स का संचालन किया जा रहा था। भले ही जेबे को राइफल्स को बड़ी खनी हुई है, लेकिन उन्होंने अपनी पोस्ट को दुश्मन के हाथों में नहीं पड़ने दिया। उन्हें पास के फाइंड 1.518A1 के मीडियन मशीन गन फायर द्वारा समर्थित किया गया था। उसके अलावा चोला आय उसके दक्षिण पश्चिम में टबिन हिटर्स में पोस्ट भी हमले के अधीन थे। फिल्म में अर्जुन रामपाल, जैकी श्रॉफ, सोनू सूद, हर्षवर्धन राणे, ईर्षा गुप्ता, सोनल चौहान, मनिका गिल और दीपिका कक्कड़ जैसे सितारे हैं। LOC और बॉर्डर के विपरीत जिसमें पाकिस्तान के साथ भारत की लड़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। पलटन के साथ JP दत्ता ने अपना ध्यान पूर्व की और लगाया। बॉर्डर 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान लंबे वाला की लड़ाई के एक काल्पनिक विवरण था, जबकि LOC ऑपरेशन विजय और 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान टोलोलिंग की लड़ाई से प्रेरित था। JP दत्ता की अधिकांश फिल्म की तरह आप उच्च सेविपल की उम्मीद पर सकते हैं। पलटन में भी देशभक्ति, लेकिन वॉल्यूम को हटा दे और आपके पास वास्तव में असंभव बाधाओं के सामने वीरता की कहानी है। जो 1967 के पतन में सिक्किम में वास्तव में क्या हुआ था। JP दत्ता की पलटन के प्रेरित करने वाला नाथुला और चोला संघर्ष
तो 1967 के पतन में सिक्किम में वास्तव में क्या हुआ था, जेपी दत्ता की पलटन को प्रेरित करने वाले नाथुला और चीला संघर्ष क्या था, इसके जैसे कि ये निकला, ये सब एक थी बिल्डर से शुरू हुआ। 1962 के युद्ध के बाद से भारत और चीन के बीच बढ़ गया, जबकि 1965 में भारत की पश्चिमी सीमा पर एक नया युद्ध आ गया था। बैंकिंग अब बेजिंग तिब्बत सिक्किम सीमा पर रणनीतिक रूप में महत्वपूर्ण नाथुला को खाली करने के लिए नई दिल्ली को मजबूर किया कर रहा था। ये तथ्य कि सिक्किम भारत के संरक्षण के में था चीनियों को परेशान करता था। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा चीनी भाई मोहन रेखा को कभी स्वीकार नहीं किया और इसलिए सिक्किम को दक्षिणी तिब्बत और इस तरह चीन के विस्तार के रूप में देखा। हालांकि 17 माउंटेन डिजाइन के जीओसी जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल सागर सिंह और अक्सर भारतीय सेना से सबसे अच्छे फील्ड लीडर्स में से एक माने जाते हैं ने नाथुला को छोड़ने से इनकार कर दिया। इसने ये भी मदद की कि उन्हें तत्कालीन पूर्व सेना कमांडर्स में सेम मानेकशॉ और कोर कमांडर जगजीत सिंह करोड़ा का समर्थन प्राप्त था। दिसंबर 1967 के राजनीतिक खतरों और सीमा पर अकसावे के कारण भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच अपना सामना हुआ। 11 सितंबर को सुबह 5:30 के बजे सीधों चीनी लोफखाने मीटर्स और रिकॉल से गोलियों की अचानक गोलाबारी ने 70 फील्ड रेजिमेंट के सैनिक और 18 राजपूतों को मारा, जब वे नाथुला से सेबी ला तक की सीमा का सीमांकन करते हुए एक बायर लगाने के अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। एक किलोमीटर दूर ऊंची जमीन पर स्थित एक अवलोकन पोस्ट और चीनी पक्ष का एक दृश्य प्रस्तुत किया। दो ग्रेनेडियर्स की सीओ लेफ्टिनेंट कर्नल रॉय सिंह और उनकी पलटन ने, जबकि कार्रवाई की लेफ्टिनेंट कर्नल राय के अन्य सैनिकों को पीछे हटने के लिए कवर फायर प्रदान करने के लिए स्वयं लाइव मशीन गन का संचालन किया। इस प्रक्रिया में एक गोली उसके पेट में लगी और दूसरी गोली रिकोपेट करके उसे खाली करते समय सी के पीछे लगी। अपने सीओ के अस्वस्थ होने पर दो अधिकारियों दो ग्रेनेडियर्स के कैप्टन डायर और 18 राजपूत के मेजर हरभजन सिंह ने जवाबी कार्रवाई की कमान संभाली, जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल रॉय बच गए। अन्य दो अधिकारी उस दिन शहीद हो गए। तथ्य ये है कि चीनी ने कब्जा कर लिया था और उच्च जमीन से जटिल मामले से गोलीबारी कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय सैनिक खुले पृथ्वी परिदृश्य में उजागर हो रहे थे। रक्षा रिकॉर्ड के अनुसार शुरुआती चीनी हमले के लगभग 70 भारतीय कर्मियों की जान चली गई थी। भारतीय प्रतिक्रिया ने चीनियों को सचेत कर दिया। लोप्रभाव ने दुश्मनों की चौकियों पर सटीकता से प्रहार किया, जिसमें गंभीर व्यक्ति और भौतिक शक्ति हुई। अगले दिनों में चीनी टोल 300 के अधिक हो गए। दुश्मन ने विराम का आज्ञात किया और श्रद्धा में भारत सहमत हो गया, लेकिन चीनियों के पास अन्य डिजाइन थे। अभी भी अपने गोवा को चाटते हुए धावों को चाटते हुए चीनी ने एक फकरावे के भीतर एक और दुस्साहस का सहारा लिया। नाथुला के उत्तर के कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थिर चोला में स्वाइट 15450 सेकंड दौरे के ठीक बीच में 30 मीटर ऊंचा एक डिवाइन खिलाखंड था। 7.11 गोरखा रेजिमेंट ने को कंपनियों के चार पलटन एक सेकंड पलटन एएस सेमुअल के नेतृत्व में और दूसरा लेफ्टिनेंट आरएस राठौर के नेतृत्व में ने 0.1540 को अपने आसपास पौधों पर कब्जा कर लिया। अब 1 अक्टूबर को सुबह लगभग 9:15 चीनों सैनिकों के बल्डर से स्वामित्व को लेकर फायरल
प्लाटून कमांडर नायब सूबेदार ज्ञान जब बहादुर लिम्बो के साथ एक विवाद में प्रकाश किया। विभिन्न सैन्य खातों में कहा गया है कि नायब सूबेदार लिम्बू अपने एक पैर को बोल्डर के खिलाफ टिका कर रखा था। यहाँ तक कि वो घटनाएं तेजी से सामने आ रही थी। 7/11 GR बटालियन के SEO मेजर KB जोशी जो पॉइंट 15450 के पूर्व में रायगांव में थे, जिसके लिए वो रास्ते में थे, उन्होंने देखा कि चीनी सैनिकों ने सितरों की चौकी को घेर लिया था जहां गायब सूबेदार लिम्बू चौक रहे थे। प्रतिद्वंदी कंपनी कमांडर और राजनीतिक कमांडर के खिलाफ मेजर जोशी तुरंत लेफ्टिनेंट राठौर के पास पहुंचे और उन्हें बताया कि उन्होंने क्या देखा, लेकिन फिर भी चीनियों ने तब तक मामले को सशस्त्र टकराव तक बढ़ा दिया था। एक चीनी सैनिक ने नायब सूबेदार लिम्बू के बाह पर संगीत लगाया। प्रतिक्रिया तेज थी, सुकुरी कभी असफल नहीं हुई। दोनों पक्ष करीब से फायरिंग में लगी हुई थे। लांस कमांडर नायक कृष्णा बहादुर ने प्रहारी का नेतृत्व दिया। उसके पीछे नायक सूबेदार लिम्बू थे जिन्होंने निकट युद्ध में दुश्मन में मुकाबला किया। एक बार जब उनका बारूद खत्म हो गया तो दोनों ने दुश्मन पर अपनी टुकड़ी से हमला किया, लेकिन मशीन गन की आग में गिर गए। लेफ्टिनेंट राठौर के बाह हाथ पर चोट लगने पे दुश्मन ने अपनी मारक क्षमता को तमचे मीटर प्रति पोजीशन और रॉय गोप पर केंद्रित किया था, जहां टेन जैसे राइफल द्वारा अभी भी राइफल वेल्स का संचालन किया जा रहा था। भले ही जेबियो को राइफल्स को बड़ी खनी हुई है, लेकिन उन्होंने अपनी पोस्ट को दुश्मन के हाथों में नहीं पड़ने दिया। उन्हें पास के पॉइंट 1.518A1 के मीडियन मशीन गन फायर द्वारा समर्थित किया गया था। उसके अलावा चोला आय उसके दक्षिण पश्चिम टबिन हिटर्स में पोस्ट भी हमले के अधीन थे। फिल्म में अर्जुन रामपाल, जैकी श्रॉफ, सोनू सूद, हर्षवर्धन राणे, ईर्षा गुप्ता, सोनल चौहान, मनिका गिल और दीपिका कक्कर जैसे सितारे हैं। LOC और बॉर्डर के वितरित जिसमें पाकिस्तान के साथ भारत की लड़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। पलटन के साथ JP दत्ता ने अपना ध्यान पूर्व की और लगाया। बॉर्डर 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान लंबे वाला की लड़ाई एक काल्पनिक विवरण था, जबकि LOC ऑपरेशन विजय और 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान टोलोलिंग की लड़ाई से प्रेरित था। JP दत्ता की अधिकांश फिल्म की तरह आप उच्च सेविपल की उम्मीद कर सकते हैं। पलटन में भी देशभक्ति, लेकिन वॉल्यूम को हटा दे और आपके पास वास्तव में असंभव बाधाओं के सामने वीरता की कहानी है, जो 1967 के पतन में सिक्किम में वास्तव में क्या हुआ था। JP दत्ता की पलटन के प्रेरित करने वाला नाथुला और चोला संघर्ष, तो 1967 के पतन में सिक्किम में वास्तव में क्या हुआ था, JP दत्ता की पलटन को प्रेरित करने वाले नाथुला और चीला संघर्ष क्या था, इसके जैसे कि ये निकला, ये सब एक थी बिल्डर से शुरू हुआ। 1962 के युद्ध के बाद से भारत और चीन के बीच बढ़ गया, जबकि 1965 में भारत की पश्चिमी सीमा पर एक नया युद्ध आ गया था। बैंकिंग अब बेजिंग तिब्बत सिक्किम सीमा पर रणनीतिक रूप में महत्वपूर्ण नाथुला को खाली करने के लिए नई दिल्ली को मजबूर किया कर रहा था। ये तथ्य कि सिक्किम भारत के संरक्षण के में था चीनियों को परेशान करता था। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा चीनी भाई मोहन रेखा को कभी स्वीकार नहीं किया और इसलिए सिक्किम को दक्षिण तिब्बत और इस तरह चीन के विस्तार के रूप में देखा। हालांकि 17 माउंटेन डिजाइन के GOC जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल सागर
सिंह और अक्सर भारतीय सेना से सबसे अच्छे फील्ड लीडर्स में से एक माने जाते हैं। ने नाथुल लाज को छोड़ने से इनकार कर दिया। इसने ये भी मदद की कि उन्हें तत्कालीन पूर्व सेना कमांडर्स में सेम मानेकशॉ और कोर कमांडर जगजीत सिंह करोड़ा का समर्थन प्राप्त था। दिसंबर 1967 के राजनीतिक खतरों और सीमा पर अकसावे के कारण भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच अपना सामना हुआ। 11 सितंबर को सुबह 5:30 के बजे सीतो चीनी लोफखाने मीटर्स और रिकोल से गोलियों की अचानक गोलाबारी ने 70 फील्ड रेजिमेंट के सैनिक और 18 राजपूतों को मारा, जब वे नाथुला से सेबी इला तक की सीमा का सीमांकन करते हुए एक बायड लगाने के अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। 1 किलोमीटर दूर ऊंची जमीन पर स्थित एक अवलोकन पोस्ट और चीनी पक्ष का एक दृश्य प्रस्तुत किया। 2 ग्रेनेडियर्स की सीओ लेफ्टिनेंट कर्नल रॉय सिंह और उनकी पलटन ने, जबकि कार्रवाई की लेफ्टिनेंट कर्नल राय के अन्य सैनिकों को पीछे हटने के लिए कवर फायर प्रदान करने के लिए स्वयं लाइव मशीन गन का संचालन किया। इस प्रक्रिया में एक गोली उसके पेट में लगी और दूसरी गोली रिकोपेट करके उसे खाली करते समय सी के पीछे लगी। अपने सीओ के अस्वस्थ होने पर दो ग्रेनेडियर्स के कैप्टन डायर और 18 राजपूत के मेजर हरभजन सिंह ने जवाबी कार्रवाई की कमान संभाली, जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल रॉय बच गए। अन्य 2 अधिकारी उस दिन शहीद हो गए। तथ्य ये है कि चीनी ने कब्जा कर लिया था और उच्च जमीन से जटिल मामले से गोलीबारी कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय सैनिक खुले पृथ्वी परिदृश्य में उजागर हो रहे थे। रक्षा रिकॉर्ड के अनुसार शुरुआती चीनी हमले के लगभग 70 भारतीय कर्मियों की जान चली गई थी। भारतीय प्रतिक्रिया ने चीनियों को सचेत कर दिया। लोपरवाहों ने दुश्मनों की चौकियों पर सटीकता से प्रहार किया, जिसमें गंभीर व्यक्ति और भौतिक शक्ति हुई। अगले दिनों में चीनी टोल 300 के अधिक हो गए। दुश्मन ने विराम का आज्ञात किया और श्रद्धा में भारत सहमत हो गया, लेकिन चीनियों के पास अन्य डिजाइन थे। अभी भी अपने गोवा को चाटते हुए धाबों को चाटते हुए चीनी ने एक फखरावे के भीतर एक और दुस्साहस का सहारा लिया। नाथुला के उत्तर के कुछ मील किलोमीटर की दूरी पर स्थिर शोला में स्वाइट 15450 सेकंड दौरे के ठीक बीच में 30 मीटर ऊंचा एक डिवाइन खिलाखंड था। 7.11 गोरखा रेजिमेंट ने को कंपनी के 4 पलटन, 1 सेकंड पलटन ए एस सेमुअल के नेतृत्व में और दूसरा लेफ्टिनेंट आर एस राठौर के नेतृत्व में ने 1.540 को अपने आसपास पौधों पर कब्जा कर लिया। अब 1 अक्टूबर को सुबह लगभग 9:15 चीनो सैनिकों के वल्डर से स्वामित्व को लेकर फायरल्ड प्लाटून कमांडर नायब सूबेदार ज्ञान जब बहादुर लिम्बो के साथ एक विवाद में प्रकाश किया। विभिन्न सैन्य खातों में कहा गया है कि नायब सूबेदार लिम्बू अपने एक पैर को बोल्डर के खिलाफ टिका कर रखा था। यहां तक कि वो घटनाएं तेजी से सामने आ रही थी। 7/11 GR बटालियन के सीओ मेजर KB जोशी जो 1.1545 के पूर्व में राय गांव में थे, जिसके लिए वो रास्ते में थे, उन्होंने देखा कि चीनी सैनिकों ने सितरों की चौकी को घेर लिया था, जहां गायब सूबेदार लिम्बू चौक रहे थे। प्रतिद्वंदी कंपनी कमांडर और राजनीतिक कमांडर के खिलाफ मेजर जोशी तुरंत लेफ्टिनेंट राठौर के पास पहुंचे और उन्हें बताया कि उन्होंने क्या देखा, लेकिन
फिर भी चीनियों ने तब तक मामले को सशस्त्र टकराव तक बढ़ा दिया था। एक चीनी सैनिक ने नायब सूबेदार लिंबू की बाह पर संगी लगाया। प्रतिक्रिया तेज थी, सुकुरी कभी असफल नहीं हुई। दोनों पक्ष करीब से फायरिंग में लगे हुए थे। लांस कमांडर नायक कृष्णा बहादुर ने प्रहारी का नेतृत्व दिया। उसके पीछे नायब सूबेदार लिंबू थे, जिन्होंने निकट युद्ध में दुश्मन में मुकाबला किया। एक बार जब उनका बारूद खत्म हो गया तो दोनों ने दुश्मन पर अपनी टुकड़ी से हमला किया, लेकिन मशीन गन की आग में गिर गए। लेफ्टिनेंट राठौर के बाह हाथ पर चोट लगने पर दुश्मन ने अपनी मारक क्षमता को तमचे मीटर प्रति पोजीशन और रॉय गोप पर केंद्रित किया था, जहां टेन जैसे राइफल द्वारा अभी भी राइफल वेल्स का संचालन किया जा रहा था। भले ही जेबियों को राइफल्स को बड़ी खनी हुई है, लेकिन उन्होंने अपनी पोस्ट को दुश्मन के हाथों में नहीं पड़ने दिया। उन्हें पास के फाइंड 1.5181 के मीडियन मशीन गन फायर द्वारा समर्थित किया गया था। उसके अलावा जो ला आए उसके दक्षिण पश्चिमी टबिन हिटर्स में पोस्ट भी हमले के अधीन थे।